I'm gonna go to the hospital.
श्रीमद्भागवत महापुराण की कुल गंगा मैया की जय जय श्री राम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जोर कर बोलो कृष्ण हरे हरे हरे
कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम। मध्य गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग नमन प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात वैशिख्या गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील जाचक महाराज, नरसिंह महाराज, नीरव महाराज, अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी, माता पिता भाई बहन सभी को भी यथाजोग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री परिकृत महाराज कली को चार जगह पर स्थान दिया। तात्पर्य है अगर हम कलयुग में केवल चार ही नियम को पालन करें और थोड़ी सी भगवान का कीर्तन कर ले, इसी से ही हमारी उद्धार हो जाएगा। इसलिए कली का पहला स्थान था सत्य है। जो व्यक्ति जुआ खेलेगा वो कभी सच नहीं बोल सकता है। दूसरा कली का स्थान पानम, दूसरा कली का स्थान पानम। जो व्यक्ति नस्ली वस्तुओं को सेवन करेगा वो कभी तपस्या नहीं कर सकता। माता जी बैठ, माता अपन बस जा, क्या तो तिलक लगा था बना और आने के तिलक लगाना उसे सवाई तिलक लगे से बस जा तिलक लगा मत चलते अब चुपचाप बस जाओ क्या बस जाओ। हरे कृष्ण। इसलिए तीसरा जो कली का स्थान है पवित्रता। अगर कोई अवैध रूप में स्त्री पुरुषों का संग, अगर पुरुष स्त्रियों का संग करता है यहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाता है। और धर्म का जो चतुर्थ चरण दया है, अगर कोई व्यक्ति मांस मछली अंडा प्याज लहसुन आदि सेवन करे तो उनके हृदय में कभी दया नहीं दिख सकती। दया नहीं तभी कोई दूसरे जानवर को मार करके खाते। और सबसे ज्यादा जो पाप बताया गया ये मांस मछली अंडा खाना, ये सबसे ज्यादा पाप इसको बताया। जब परिकृत महाराज ने कली को चार ही जगह पर स्थान दे दिया लेकिन ये कली संतुष्ट नहीं हुई। बोले कहाँ कहाँ में ढूंढते थे कौन जुआ खेल रहा है, कौन मदिरा सेवन कर रहा है, कौन अवैध रूप में स्त्री संग कर रहा है, मैं कहाँ कहाँ ढूंढू, मेरे इसको ऐसे एक स्थान दो जहाँ पर ये सारे जीव हमें मिल जाए। तो उन्होंने स्थान दे दिया सुवर्ण। सुवर्ण मतलब पैसा। आप देखना ये जितने तरह का अधर्म कहाँ पर होता है, ये शराब कौन पीता है जिसको पास में ज्यादा पैसा है, 5,000 रुपया देकर कौन मांस खाएगा जिसको पास में पैसा है, बेस्या घर में कौन जाएगा जिसको पास में पैसा है, जुआ कौन खेलेगा जिसको पास में पैसा है। इसलिए उन्होंने ये सुवर्ण में ही सारे कली को स्नान किया। लेकिन यहाँ प्रश्न आता है भैया पैसा तो लक्ष्मी है और मूल लक्ष्मी श्री राधा है, मूल लक्ष्मी श्री राधा रानी, तर ये राधा रानी को पास में कली कैसे रह सकती है। इसलिए एक अच्छा उदाहरण देकर समझाया कि तो जो लक्ष्मी है उनकी दो बाहर है, बताओ तो लक्ष्मी का क्या बाहर है, बोल दो अपने सब पंडित है। लक्ष्मी की बाहर उल्लू है। आप देखना लक्ष्मी ये उल्लू के ऊपर भी वो अकेली बैठती है, मतलब है घर में जब पैसा आए ना ये लक्ष्मी उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है
और हमें ये लक्ष्मी उल्लू बना दी है। लेकिन लक्ष्मी की दूसरी वाहन भी है, आप बता सकते हैं? एक तो उल्लू वाहन है और लक्ष्मी के और भी दूसरा वाहन है, कौन बोले? हाथ उठा बोलो। एक तो लक्ष्मी उल्लू पर बैठती है और एक ऊपर बैठती है। हाँ, ये माता जी बड़े पंडित हैं। इसलिए लक्ष्मी की और एक वाहन है गरुड़। लेकिन लक्ष्मी कभी गरुड़ के ऊपर में वो अकेले कभी नहीं बैठती। आप देखना नारायण को साथ, बोले मतलब क्या है? अगर लक्ष्मी को घर में बुलाओ, क्योंकि लक्ष्मी के बगैर कुछ नहीं होता। अगर लक्ष्मी नहीं हो तो भगवान को भोग क्या लगाओगे, खिलाओगे क्या, भगवान को श्रृंगार कैसे करोगे? बगैर लक्ष्मी को कुछ भी नहीं होता। नहीं, एक प्यार भी, एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ सकते लक्ष्मी के बगैर, है? इसलिए अगर लक्ष्मी को आप इसीलिए बुलानी चाहिए, लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी नारायण की। अब मूल लक्ष्मी राधा रानी, राधा रानी किसकी लक्ष्मी? बोले कृष्ण का। लक्ष्मी को बुलाओ। अगर हम कृष्ण सेवा के लिए अगर लक्ष्मी को बुलाते हैं, फिर लक्ष्मी वो उल्लू को ऊपर बैठ कर नहीं, फिर वो गरुड़ों को ऊपर बैठ करके आएगी। फिर हमारा घर तो गरुड़ कहाँ रहता है? वैकुंठ में रहती है। गरुड़ वैकुंठ में रहता है। फिर हमारा घर को घर नहीं, ये वैकुंठ है, ये गोलोक वृंदावन से बना दे। इसलिए लक्ष्मी को खूब बुलाओ, खूब पैसा कमाओ, लेकिन उसका लक्ष्य रखो। इसलिए हम लक्ष्मी को बुला रहे हैं ठाकुर जी की सेवा में, अपना सेवा भी नहीं, खुद खाने के लिए, खुद भोग के लिए नहीं। फिर तो लक्ष्मी फिर उल्लू को ऊपर बैठ कर आएगी, फिर हमारी सत्यानाश कर देगी, घर को वो सत्यानाश कर देगी। इसलिए जब उन्होंने लक्ष्मी को उन्होंने सुवर्ण में स्थान दिया, एक दिन परिकृत महाराज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे। आज उनको इतने प्यासा लग रहा था, जिंदगी में कभी लगी, एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, पानी मांगे। लेकिन वो ऋषि सचमुच से भजन नहीं कर रहे थे, इनके आँख नहीं खुला। तो पास में एक सर्प पड़ा हुआ था, उनकी गला में उन्होंने वो सर्प को पहना दिया। अभी उनको बच्चा था, सिंगी ऋषि को जब पता चला, उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में ये मरे हुए सर्प को डाला, मैं अभिशाप देता हूँ। तब सप्तम दिवस में उनको तक्षक दंशन मिलेगा। अभी वो बच्चा आकर रोना शुरू कर दिया, रोने रोते ही अभी ऋषि का आँख खुल गया। यहाँ प्रश्न होता है, अभी परिकृत महाराज चिल्लाते चिल्लाते गला फट गया, लेकिन उसकी आँख ही नहीं खुली। लेकिन अपना बेटा आकर थोड़ी सी रोया तो आँख खुल गया। बोले इसका मतलब क्या? परिकृत महाराज कोई दूसरे थे, ये अपना बेटा था इसलिए आज खुल गई? बोले नहीं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये परिकृत महाराज देखो। बोले परम कृष्ण भक्त के साधारण हुई नहीं, यद्यपि लगता है ये गृहस्थ है और इनको लगता है ये ऋषि, लेकिन गृह हो त्यागी हो भक्त भेद नहीं। भक्त भेद बदले से को भी पाई जाए, भक्त में भेद नहीं करनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई त्यागी इसलिए बहुत बड़े, लेकिन महाप्रभु का अधिकार गृहस्थ में चाहिए। लेकिन शिवास पंडित, गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, ये सब के सब गृहस्थ थे, लेकिन घर में रहते हुए भी निर्भर करता है कौन कहाँ पर रह करके कितना गुरु जी की चरण में कितने शरणागत, ये चीज को देखनी चाहिए। हैं, अगर हमने त्यागी लेकिन गुरु जी की शरणागति नहीं, भजन भजन से कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई अगर गृहस्थ होकर के बड़े सिंसियर पूर्वक भजन करता है वो श्रेष्ठ है। इसलिए यद्यपि परिकृत महाराज गृहस्थ है, वो ऋषि है, लेकिन जब कोई वैष्णव घर में आए, अगर उनको आतिथ्य सत्कार नहीं किया जाए तभी वैष्णव अपराध। इसलिए शास्त्र ने बताया छह तरह का वैष्णव अपराध होता है। बोले हंती, जो वैष्णव को हत्या करते हैं, निंदंती, जो वैष्णव को निंदा करते हैं, वैष्णव नाम से अभिनिंदंती, कोई वैष्णव आए उनको सत्कार नहीं किया है, जाति न हर्ष, वैष्णव को देख करके खुश नहीं हुए, ये अपराध है। इसलिए छह तरह का वैष्णव अपराध है। यहाँ पर एक वैष्णव आए
लेकिन ये पानी पानी बोल करके चले गए तो पानी नहीं पिलाया, इसलिए समझो भक्ति से च्युत हो गए। ये वैष्णव अपराध होने से महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताए वैष्णव अपराध इतने खतरनाक है, इसलिए 10 तरह का वैष्णव अपराध में यद्यपि भक्ति में गुरु श्रेष्ठ है, गुरु को अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहला अपराध वैष्णव अपराध। बोले क्यों? कहते कभी कभी गुरु जी को तो बड़े सम्मान देते हैं लेकिन हम वैष्णव को कोई आदर नहीं करते, वैष्णव को कोई आदर नहीं करते हैं, इसलिए गुरु वैष्णव में कोई भेद नहीं है, इसलिए वैष्णव चरण का अपराध होते ही भक्ति से उनको च्युत होना पड़ता है। इसलिए और दूसरा कारण क्या है, अभी परीक्षित महाराज को माध्यम बना करके अभी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना होने वाली, इसलिए जोग माया लीला शक्ति ने देखा पहले जब जब भक्त लोग भजन में बैठते थे उनकी आँख महीना महीना तक उनकी आँख नहीं खुलती थी, इसलिए जोग माया ने देखा अगर ये भजन में ऐसे बैठ गए अभी परीक्षित महाराज को पता ही नहीं पड़ेगा, अभी घर बार छोड़ करके आएंगे नहीं, फिर ये भागवत कथा कैसे होगा, इसलिए जोग माया ने उनकी आँख को खोल दी। देखा बच्चे को रोते हुए बोले बेटा क्या बात, उन्होंने सारे बात को बता दिया, बोले मैं तो उनको अभिशाप दे दिया हूँ, उन्होंने तो बड़ा क्रोधित हो गए, बोले दुष्ट तुम्हें पता है ये परीक्षित महाराज कौन है, ये कृष्ण का परम भक्त है, हमारे अहो भाग्य था और ये हमारे घर में आए लेकिन उनको पानी तक दिया नहीं बल्कि उन्होंने तुमने अभिशाप दे दिया, बोले जाओ आज से मैं सारे ब्राह्मण को अभिशाप देता हूँ, ब्राह्मण का जो पाक शक्ति संपूर्ण नष्ट हो जाए, तभी से ब्राह्मण का जो पाक्य शक्ति खत्म हो गई सबके साथ। बोले तब से तब परीक्षित महाराज को पता चलने चाहिए, तब उन्होंने एक ब्राह्मण बालक को देकर खबर पहुंचाया, लेकिन परीक्षित महाराज दुखी नहीं हुए, वो बड़े प्रसन्न हो गए। अगर आपको कोई बोले 7 दिन में आपको तक्ष का दर्शन करेगा मरने वाले लोग, आप बताओ आपका स्थिति क्या होगा, बताओ वो सुनते ही तो आधा ही मर जाएंगे। अगर हमें कोई बोल देना 7 दिन बाद में तुम मरने वाले हो, उसी समय हम आधा ही मर जाएंगे, लेकिन इसमें परीक्षित महाराज दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हो गए, अहो भाग्य है। बोले क्यों? बोले मैंने एक ऋषि के चरण में अपराध किया, अगर दंड मिल जाए ना ये अपराध माफ हो जाता है, और मरने से एक सेकंड पहले किसी को पता नहीं चलता मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ठाकुर जी की कृपा तो देखो 7 दिन पहले ठाकुर जी मेरे को सूचित कर दिया तेरे पास में अभी 7 दिन है, कितना दिन है इतने घुसते बात से ना सुन ताकिया से घुसते बात से नहीं दिना, हाँ सब पंडित है हमारे, हाँ देखो हमारे गुरु जी एक कथा सुनाते थे, कहते थे कि मतलब परीक्षित महाराज को 7 दिन था ऐसे नहीं, हम सबको पास में 7 ही दिन, कितना दिन है 7 ही दिन, ज़्यादा दिन नहीं। देखो एक सुंदर कथा सुन, मतलब एक समय किसी राज दरबार में कोई एक साधु आए राजा से मिलने के लिए, दरबार को बोले राजा है, बोले है, बोलो कोई साधु आपसे मिलने के लिए आए कोई जरूरी काम है। राजा ने सोचा भैया साधु लोग क्यों आते हैं, वो पैसा लेने आए ना भिक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने 101 रुपया भेज दिया। संत ने बोले पैसा जरूरत नहीं, मैं तो कोई जरूरी काम से आया। फिर उन्होंने 5 रुपया भेज दे, बोले पैसा लेने नहीं आया। फिर उन्होंने 1000 रुपया भेज दे, बोले अरे राजा को बोलो मैं पैसा लेने नहीं आया हूँ, केवल 1 मिनट कोई जरूरी काम, 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। राजा ने बोल दिया संतों को बोल दो राजा के पास में कोई समय नहीं संतों से बात करने के लिए, मैं तो बहुत राज कार्य में बिजी हूँ। अभी राजा गया रानी के पास में, वहाँ पर कोई दासी थी, बोले अंदर में राज रानी है, बोले है, बोले उनको बताओ कोई एक साधु 1 मिनट बात करना चाहता है कोई विशेष काम। अभी रानी सुनते ही प्रसन्न हो गए, बोले अहो भाग्य है संत कब आते हैं, कितना निज कार्य नाई कब ज्ञान तार जाते हैं, वैष्णव स्वभाव ही तारी से पावर निज कार्य नाई कब ज्ञान पर साधु किस लिए आते हैं,
वो अपना स्वार्थ के लिए आते हैं, हमारी कल्याण के लिए आते हैं। बोले कौमो भाग्य है संत धर्म में बता रहे हैं। इसलिए भागवत पृथ्व महाराज कहते हैं जिसको घर में साधु संत की समागम नहीं वो घर नहीं वो शमशान भूमि है। जिस घर में साधु लोग आते हैं वो घर नहीं वो घर गलत बनता है। तो उन्होंने बुलाए और रानी ने आसन देकर बैठाई। बोले बाबा क्या सेवा करो? बोले महारानी आप कान खोल कर सुन लो, मैं कोई विशेष काम से आया हूँ लेकिन राजा मेरे से मिले नहीं। बोले मुझे ही बताओ मैं सेवा करूँ। बोले कान खोल कर सुना, मैं अपना दिव्य दृष्टि से देखा है कि जो राजा है ना ये 7 दिनों में ये राजा मरने वाला है। कितना दिनों में? 7 दिनों में ये मरने वाला है। अभी अभी नई नई शादी हुई घर में बहू आए, अगर कोई बोल दे तुम्हारी पति 7 दिनों में मरेगा बता क्या होगा? वो तो आधा ही मर जाएगा। बोले क्या बोल रहे हो? अभी अभी मेरी शादी हुई कहते राजा 7 दिन में मरेगा। कहते बात क्या सच है? बोले ये ध्रुव सत्य है, वो 7 दिनों में ये मरने वाला है। बोले कोई उपाय बचने का? बोले कोई उपाय नहीं, राजा को ये बात बता देना। बात साधु को चल पड़े। रानी इतना घबरा गई एक दासी को बोले बोले जाओ जाओ अभी राजा को बोलो रानी अभी अभी बुला रही है कोई जरूरी काम है। देखो कोई साधु आए थे मिलने के लिए लेकिन राजा के पास में कोई समय नहीं था, लेकिन जब उसने बीवी बुला रही रानी बुला रही ना वो सारे काम को छोड़ करके भाग गई। क्योंकि अभी नई नई शादी की ना, नई नई शादी की पहले स्त्री कैसे लगती है? चंद्रमुखी। पहले कैसे लगती है? चंद्रमुखी। जब एक चंद्रमा आकाश में और एक चंद्रमा हमारे पास में, लेकिन कुछ दिन बाद में क्या होता है? सूर्यमुखी। फिर कुछ दिन बाद में ज्वालामुखी फिर कल लड़ाई झगड़ा से हो जाती है। इसलिए अभी राजा तो सारे काम को छोड़ छाड़ करके भागे। जब आए राजा बोले क्या ऐसे जरूरी काम पड़ गया मेरे को बुला दी? बोले महाराज आपको पास में कोई साधु मिलने के लिए गया था? बोले हाँ। बोले आप उनसे मिले हो? बोले मैं राजकार्य में बिजी था। बोले महाराज घर में जब साधु आता है वो ऐसे नहीं आता है, कुछ ना कुछ विशेष जरूरी काम लेकर के आता है। बड़े भाग्य से कहीं संतों का दर्शन मिलता है। कोई साधु आए आपको पास में 1 मिनट मिला नहीं और मैंने बुलाया तो भागते भागते आ गए। बोले बात तो बताओ क्या है? बोले तो बात बड़ी गंभीर बात है। वो संत ये बता रहे थे अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा है आप 7 दिनों में मरने वाले हैं। बोले क्या बोल रहे हो? बोले मैंने राजा को मैंने पूछा संत को, बोले ये ध्रुव सत्य है। राजा तो घबरा है 7 दिन में मर जाऊंगा। बोले बाबा गए कहाँ? बोले अभी अभी चले गए। तो उन्होंने दूतों को बोले जल्दी जल्दी बाबा को पालकी में बैठा करके बुला कर ले आ। देखो अभी 1 मिनट नहीं था, अपने बाबा को बुला कर ले आ। जब बाबा आए बोले बाबा आप बता रहे हैं मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ? बोले हाँ। बोले बात क्या सच है? बोले ध्रुव सत्य है, ये झूठ नहीं सच है। राजा तो घबराए। संत ने कहा देखो आप घबराओ मत, आप घबराने का जरूरत नहीं, आपने बहुत दान पुण्य किया है इसलिए आपके लिए स्वर्ग में अथवा स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। लेकिन महाराज वहाँ पर सारे सुविधाएं मिलेंगी लेकिन एक चीज की कमी वहाँ पर। बोले किस चीज की? बोले बहुत बड़े बड़े मच्छर वहाँ रहते हैं, बहुत बड़े बड़े मच्छर रहते हैं। बोले कोई चिंता मत करो वहाँ पर मच्छरदान का सुविधा भी है, वहाँ पर मच्छरदान भी मिलेगा। लेकिन महाराज एक और एक चीज की कमी है, वो मच्छरदान का कोने में एक छोटा सा छेद है, उधर से मच्छर घुसने का चांस है। बोले फेर किया। जब आप मरोगे ना साथ में एक सुई और एक धागा ले जाना, अगर तो सिलाई कर दोगे ना बात चैन में नहीं आएगी। बोले बाबा आप क्या बता रहे हो? जब शरीर छोड़ेगा यही तो हमें जला दिया जाएगा, आप बता रहे हो सुई साथ धागा लेकर के जाने के लिए कहीं चले जाएंगे? यही तो मर जाएंगे, यही जला देंगे। बोले तेरे को पता है साथ में तो सुई धागा भी नहीं जाएगी? बोले मेरे को क्या पता, सारा दुनिया को पता है। बोले महाराज मैं आपको इतनी सी बात समझाना चाह रहा था,
जब आप इस दुनिया से जाओगे आपके साथ में एक सुई धागा भी जाने वाले यहाँ से नहीं। पत्नी जाएगी तो रो रो कर करवाजा तक जाएगी, उसको आगे नहीं जाएगी। परिवार जाएंगे तो शमशान तक जाएंगी, उसको आगे और कोई नहीं जाएगा। उसको आगे क्या जाएगी? पायो जी मैंने राम रतन पाए, उसको आगे क्या जाएगा? केवल भगवान का नाम ही जाएगा, उसको आगे कुछ नहीं जाएगा। इधर बोलना बोल हरी हरी बोल, हमारे उधर कहते राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात होता है। बोले महाराज आपको साथ में केवल भगवान का नाम ही जाएगा, उसको आगे और कुछ जाने वाले नहीं। बोले महाराज आप जो प्रभु का नाम आपको साथ में जाएगी, आप बताओ कितने समय भगवान की भक्ति करते हो, आप कितने समय ये दुनिया में आप बिताते हो, दुनियादारी में बिताते हो। तो उन्होंने कहा देखो महाराज अपना भाला भी बुझे तो बुझते बात चल ना। हाँ बोले अच्छे तरह से समझो, मैंने आपको ये नहीं बताया था 7 दिन को बाद में आप मरोगे, क्या बताया था बोलो? मैंने ये नहीं बताया था 7 दिन को बाद में तुम मरोगे, ये नहीं बताया, क्या बताया था? 7 दिनों में मरोगे, 7 दिनों में मरोगे। अरे महाराज 3 साथी है, 3 8 नहीं, 3 साथी है, रवि सोम मंगल बृहस्पति शुक्र शनि, 3 साथी है, 3 8 नहीं होता है। मैंने बताया था 7 दिनों में, 7 दिन को बाद में नहीं, 7 दिनों में जब मरोगे, ये 7 दिनों में एक ना एक दिन तो मरोगे। लेकिन मरते समय यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ में जाने वाले नहीं, सब तुमको यही छोड़ करके जाना पड़ेगा। साथ में क्या जाएगा? केवल भगवान का नाम ही जाएगा, भगवान की नाम ही जाएगा, और साथ में कुछ नहीं जाएगा। इसलिए हे महाराज ये जीवन अनमोल जीवन है, ये जीवन अनमोल जीवन, ये कोई नहीं हीरे है ये जीवन, इसलिए ये जीवन को विषय में गंवाना नहीं, ये जीवन को प्रभु का भजन करना। जब उन्होंने राजा को ये बात समझाया ना, राजा का जीवन ही बदल गया, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। बोले बाबा वो तो पहले सोच रहा था 7 दिन बाद में मर जाएगा, अभी फिर उसको प्राण आ गया। बोले नहीं 7 दिन बाद में नहीं मरूंगा, जब मरूंगा 7 दिन के अंदर में एक ना एक दिन में प्राण छोड़ूंगा। फिर उन्होंने जानते हुए उनको किया गया माला दुनिया से अपने वजह से, बोले माला दुनिया कैसे लगे तो पंडित से लोग, हाँ फिर आना जितना खा और जो साधु बाबा ना होना के एरक में अपनी माला और झोली दिलो है, माला और झोली दिलो। बोले देखो ये माला झोली ना हो, प्रत्येक दिन ये माला जप करूँ, ये जन श्री चैतन्य महाप्रभु के जब भक्त निमंत्रण दिलो, प्रभु आज के आमादन बाटते भोजन, महाप्रभु की बोल ले हमें सवार बाटते भोजन करना, जे लक्ष्य पति हमें ताहर बाटते भोजन कर दो। आज तक 5.5 वर्ष का था, लक्ष्यपति माने 1,00,000 स्वर्ण। बोले प्रभु हमारा तो कखन लक्ष्यपति हो नहीं पारे ना, हमारे बाड़ी से 100 टका पर्यन नहीं, हमारे बाड़ी से क्या अपने यार खावे ना। कारण महाप्रभु की बोले प्रकृत लक्ष्यपति के, बोले जिन्हें प्रत्येक दिन 1 लक्ष्य हरिनाम, 1,00,000 जिन्हें हरिनाम ग्रहण करे। देखो पिछले दिन आगे टीवी पे आस्तो अमिताभ बच्चन है नाम जाने, अमिताभ बच्चन नाम सुने थे, वो बोलते करोड़पति कौन बनेगा, कौन करोड़पति बनेगा कौन है? महाप्रभु बोलते लक्ष्यपति के हमें, लेकिन आला दिए ताका की तो लक्ष्यपति हमें अपना तो सब जाने तथा बोल जब लुकल लोग आ जाए, जैसे कोई माला आ ना जगह हमारा ये माला जब करी हरे कृष्ण हाथ में बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे। एक बार बोले ना एकता माला से, द्वितीय बार बोले दू दी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, 16 बार बोलो, एक बार हरे राम। यदि एरकम भावे हमारे 16 माला यदि एरकम भावे करते पारी एदिक 25,000 दी जाए,
আজ 64 মালা করতে পারি না, কত হবে 1 লাখ। চৈতন্য মহাপ্রভু বলছে তুমি 1 লাখ হরিনাম করলে না, আজকে তোমার নামে ব্যাংকতে 1 লাখ টাকা ফিক্স ডিপোজিট হয়ে। ভগবান নিজে বলছে হরিনাম করলে না মালা নাই মাল, যখন আমার টাকা নেই না এরকম দেই, যখন নেই কি করে এরকম ভাবে নেই, এই জন্য মালাকে যখন যাও তো এইরকম, মানে কি সব জমা করছেন যাচ্ছে না, সব জমা হচ্ছে ব্যাংকে। হ্যাঁ, যদি ব্যাংকে যদি ফিক্স ডিপোজিট করে কিছু সুদ তো পাওয়া যায়, ইন্টারেস্ট পাওয়া যায়, বল এর মধ্যে কি ইন্টারেস্ট পাবে। বিরা বলছে দিন দিন বড়ত সবায়ো পায়ো জিমে রাত ধন পায়। বিরা বলছে আজকে যদি 1 লাখ হরিনাম করছে না, কালকে সবা লাখ 1,25,000 টাকা, 4 দিনতে 2 লাখ। কিন্তু এই সংসারের পয়সা ইনকম করতে 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 যখন মরে যাবে না, 1 পয়সাও সঙ্গে যাবে না। যখন আমরা বলি একটু হরিনাম করবেন, বলে কিছু টাকা পয়সা কামিয়ে ছেলে মেয়েদেরকে রেখে দিয়ে দেবে না। আমাদের গুরুদেব বলতে খবরদার ছেলে মেয়েদের জন্য বেশি টাকা পয়সা রাখবে না। আপনি দেখবেন 4 পিতামাতার ছেলেদের জন্য 4 টাকা পয়সা রেখেছে, ওই ছেলে কত বরবাদ হয়েছে, পরে মদ খেয়ে জুয়া খেলে মাছ খেয়ে পয়সাকে সত্যানাশ করবে। ওর ছেলে তত দুষ্ট হয়েছে যে পিতামাতা 4 টাকা পয়সা ছেলেদের জন্য রেখে দিয়েছে। এই জন্য এইরকম ধনকে ইনকাম করুন, যাতে এই জীবনেও ধনী হতে পারে, আগের জন্মেও ধনী হবে। এই জন্যে আমাদের ক্রিয়া বলছি না, লে লো রে রাম কা প্যারা আওয়াজ লাগাও গড়ি গড়ি, রাম নাম কে রে মোতি মেরে ধিয়া গড়ি গড়ি, লে লো রে গড়ি রাম কা প্যারা আওয়াজ লাগাও গড়ি था।
हम लोग के पास में साथ नहीं मिले, ज्यादा नहीं हमारे पास नहीं। तब श्री परीक्षित महाराज ने अपना बेटे को राज सिंहासन को देखा करके उन्हें प्रायः दर्शन किया। कहाँ पर? गंगा किनारे। कहाँ पर क्या? गंगा किनारे में एक स्थान है, सुखताल है, एक सुखताल एक स्थान है, वो भी गंगा किनारा है। हम भी उसी गंगा किनारे में कथा सुनते हैं। देखो गंगा किनारे में कथा सुनने का ना एक अलग लाभ है, एक अलग बात है। बड़ी भाग्य से कही गंगा किनारा में भगवत कथा सुनने को तभी मिलता है, बड़ी भाग्य से है। केवल इतना नहीं, ये स्थान का नाम क्या है? निमाई तीर्थ घाट है। यहाँ पर श्रीमान महाप्रभु भी यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम लोग बड़ी सौभाग्यवान जो यहाँ बैठ करके फिर यहाँ पर भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, दिव्यप्रभु गोस्वामी महाराज, ये महापुरुष लोग भी यहाँ पर आए और यहीं पर उन लोगों ने साधन भजन किया है। अभी भी साधु संत यहाँ भी रह करके साधु संत भजन कर रहे हैं। इसमें संतों की जो स्थान है, हर दृष्टिकोण से ये स्थान की बहुत बहुत ही ये स्थान की महिमा है। जब परीक्षित महाराज गंगा किनारे में क्यों आश्रय लिया? बोले जो गंगा है ये भगवान की चरणामृत है, और भगवान की चरणामृत और गंगा में कोई फर्क नहीं। इसका मतलब है इन्होंने ठाकुर जी के चरण को उन्होंने आश्रय लिया। पहले टेलीफोन नहीं होता था, टेलीग्राम नहीं होता था, लेकिन ऋषियों के पास में जो दिव्य ज्ञान हुआ करता था, वहाँ पर 18,000 ऋषि लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। परीक्षित महाराज ने कहा, लगता है मेरे ऊपर अभिशाप नहीं, ये साधु संतों का वरदान है। जीवन में एक संत दर्शन बड़ा दुर्लभ से होता है, लेकिन यहाँ पर देखो देखो तो सही कितने भक्त यहाँ पर है। 18,000 ऋषियों का यहाँ पर समागम है। बोले भैया मेरा जीवन तो धन्य धन्य हो गया हमारा जीवन। तब उन्होंने ऋषि मुनियों को प्रश्न किया है, बोले ये बताओ आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो बरसो, बोले अद्य व अब सतांत्य व प्राणी वही ब्रह्मना, ये मरते जगत है, आज हो नहीं तो 100 साल के बाद में हो, सबको एक दिन मरना है। माइक वाला, माइक वाला ये एक दिन इकोटा ना एक कंप्यूटर में और सांप बाढ़ इकोटा कंप्यूटर सांप बाढ़, ये एक दिन सबको मरना ही पड़ेगा। इसको कम कर दिया, सबको एक दिन ही मरना ही पड़ेगा, लेकिन जिनको एक दिन मरना पड़ेगा उसका क्या कर्तव्य है? लेकिन वहाँ पर जो ऋषि लोग थे ना, बोले नासो मुनिर जस मतम न गिरना, ऐसे कोई ऋषि मुनि नहीं था जिसका मत ही अलग नहीं था। इसने भैया बोले अभी विपत्ति है ना, सीधी दादा गणेश जी की पूजा कर। किसने बोले गणेश जी क्यों, उसकी भैया क्या कहीं चली गई? किसने बोले क्यों, उसको पिताजी कहीं कहीं चले गए? किसने कहा मृत्युंजय पाठ करो? सबके सब अलग 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 बात बताए। परीक्षित महाराज ने देखा का वर्षा जब कृषि सुखाई है, का वर्षा जब कृषि सुखाई, वो बारिश का क्या महत्व है जब सब खेती सूख जाए। मेरे पास में कुल 7 ही दिन है, ज्यादा दिन नहीं, लेकिन ये तो आपस में सबके सब तर्क वितर्क करने लग गए। यद्यपि ये एक ही मीमांसा में पहुंचेंगे, श्रोतव्य कृतित्वस्य स्मर्तव्य इच्छतावयम्, वो लोग एक ही मीमांसा में पहुंचेंगे। अगर जीवन में कोई शांति पाना चाहता है, श्रोतव्यम कृतित्वम स्मर्तव्यम इच्छतावयम्, भगवान की कथा सुना, भगवान का कीर्तन करो, भगवत स्मरण करो। लेकिन ये तो तर्क वितर्क में लग गए, इतने में उन्होंने श्री भगवान की शरण में चले गए। बोले हे प्रभु, आप मुझे मातृगर्भ में ही रखा किया था, इसी समय आप ही कृपा करो। तो भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी वहां प्रकट होते हैं। बोले श्री सुखदेव महाराज की केवल जयकार भेजना सब जो जयकार। बोले श्री सुखदेव महाराज की, जब श्री सुखदेव गोस्वामी आए वहाँ पर, उनको पिताजी के पिताजी के पिताजी बैठे हुए थे, उनने सबको उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके सीधा व्यास गद्दी पर बैठ गए। इतने में श्री परीक्षित महाराज ने प्रश्न की झड़ी लगा दी,
बोले अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्य म्रियमाणस्य सर्वथा। देखो यहाँ प्रश्न होता है भैया वहां पर तो उनको पिताजी की ये तो सबसे छोटे हैं, कोई 100 साल, कोई 200 साल, कोई 5 साल, कोई 1000, जटा जुटधारी हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए थे, लेकिन प्रश्न है पर ये इतना सबसे छोटे ये जो बच्चे से कथा क्यों सुने। इसलिए आप पहले सुन रहे थे ये सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण नहीं, बोले ये कौन है, बोले प्रिया सुखश्री वृषभानुगाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनीना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी। कहिए सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के निकुंज में महल में निवास करने वाली, राधा रानी जिनको हाथ में बैठा करके आना रानी दाना खिलाया करती थी, बोलती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण, वो सूत भी बोलता था कृष्ण कृष्ण, कभी कभी राधा रानी उनको कृष्ण रूप मान करके कभी कभी उनको चुम्बन करती थी, जब चुम्बन करती थी तो राधा रानी की जो अधरा मृत है ये तोता की चोंच में अधरा मृत लगा हुआ है, और राधा रानी कौन है, जैसे बैतक भी सिंधु रसमूर्ति कृपाई का सिंधु लावण्य सिंधु अमृत छवि के सिंधु श्री राधे के स्फुरत में रस के सिंधु। बोले राधा रानी कौन है, जैसे सप्त समुद्र हम सुनते हैं, 7 समुद्र है, इखु समुद्र, लवण समुद्र, मधु समुद्र, दही समुद्र, दूध समुद्र और सहेद समुद्र है, घी समुद्र, जैसे 7 समुद्र है, यदि ये सारे जो समुद्र रस की सबके सब श्री राधा जी विद्यमान है, सारे समुद्र सारे रस के मूर्तिमान कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की। जैसे राधा रानी सारे रस की समुद्र है श्रीमती राधा रानी, और राधा रानी के अधरा पर लगा हुआ, इसलिए वो कथा सुने किसी से, बोले ये सुखदेव गोस्वामी से, यद्यपि देखने में छोटे हैं लेकिन छोटे होने पर भी जिन्हें श्री ही सुख उबाच है, अपने भागवत पर देखे सब जगह की लिखा है श्री सुख उबाच, श्री माने श्री राधा रानी, सुख माने ये काल ये तोता काल तिमी पिया बाकी, बोले तिमी राधा रानी ने तिमी पिया बाकी, तिमी साधारण पिया बाकी तिमी ना, एक ने श्री सुखदेव गोस्वामी भूख के सका ने भागवत कथा सभाई श्रवण कर लो। जगन श्री परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर ले जगत एक की वस्तु आचे जाके पहले पर जीवन सब कुछ पावा हो जाए, किंतु यही जगत देखी हुए जो तो टका हो जाए, अंबानी जे रकम भारत रेखन सबसे ज्यादा पैसा वाला है रिलायंस की कंपनी वाला, ओके जिज्ञास अगर तुम्हारे तृप्त हो गए तो टका पैसा दिए वो चिंता कर सी जाते पृथ्वी के सबसे वैसे पैसा वाला होता है, देखिए इतने इसलिए राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु की भारी, लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब कुछ बिगाड़ी। इसलिए हम कहते ना कमाई करो ना नहीं काम आई कहते ना कमाई, काम आई और ज्यादा आनी चाहिए, इसलिए इनका प्रश्न है, इनका प्रश्न होलो अतः पृच्छामि संसिद्धि जगत पे एक की वस्तु आचे जाके पहले जीवन ये बना हमें जीवन हमें सब कुछ दिए गला जीवन हमारे की चुप पावर को बाकी था तो ना बोलो ओ जा की ऐतरी कृष्ण गीता पे बोल छे जन लब्ध्वा च चापरम लाभम मन्नते अधिकम तक है, केवल कृष्ण भक्ति एक में वस्तु जहाँ पहले जीव संपूर्ण पूर्ण हो जाए, बोले जीवन हमें सब कुछ दिए गए जीवन हमी ध्रुव जब भगवत दर्शन कर लो भगवान पर से बर ना हो बोले हमारे किच्छु चाहना हमें पूर्ण हो गए हमारे किच्छु चाहना केवल साधु संग हमारे केवल साधु संग प्रदान करूँ,
એટલે મારા પ્રશ્ન હું જગત થઈ રહ્યો કી વસ્તુ આ છે કે કર્તવ્ય કે અકર્તવ્ય તેને એક પ્રશ્ન સુની તેને બોલે પર્યાન એ સત્ય પ્રશ્ન તમે જે પ્રશ્ન કરી લે ખૂબ સુંદર તમે પ્રશ્ન કરી છો એટલે આત્મભીત સંમત પૂછા જે પ્રશ્ન કે આત્મભીત બડબડ ઋષિ મુનિરાઓ જે પ્રશ્ન કે સમાધાન કર્યું આ સમાધાન કર્યું તમારે તે બોલશે દેખો એ જે માનવ શરીર એ માનવ શરીર કોનો સાધારણ જન્મ થાય એ માનવ શરીર 84 લાખ જન્મ પરે એક વાર ભગવાનની એ માનવ શરીર પીછે તે છે કે તો એ માનવ શરીર પાકરે કામ કરતે હે ક્યા હે બોલે નિદ્રયા અરિયતે કર્તવ સેવાય નામ ચબાગયમ જીવાચ આર્થ હય રાજ કુટુંબ ભર નવા અતે ये मानव शरीर पाकर हम कर रहे हैं क्या मतलब कुल 4 काम करके ये मानव शरीर को हम बर्बाद कर देते हैं मतलब 3 में 2 काम और रात को 2 काम मतलब 3 में 2 काम क्या करते हैं पैसा कमाओ और पैसा का अपना परिवार को मेंटेनेंस करो और रात को विश्राम करो और संतान उत्पन्न है संतान उत्पन्न मतलब भैया ये जो 4 काम हम करते हैं खाना पीना सोना बच्चों को जन्म देना ये बताओ कौन सा जानवर ये काम नहीं करते गधे कुत्ते सुअर को देखो एक के साथ में एक एक दर्जन बच्चा जन्म दे रहे हम जिंदगी में कितने जन्म दे दिए बच्चे 2-4 इससे ही सक्सेसफुल मानते हैं और खाने के लिए एमए पीएचडी डॉक्टर की करके 10-10 घंटा काम करो पैसा कमा है लेकिन ये जानवर कौन सा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं किसका नौकरी करती है खाना इतना अपने आप निकला है खाना पीना सोना एयर कंडीशन रूम चाहिए तभी नींद आएगी लेकिन इनको देखो जहाँ तक आराम से सो जाते हैं जहाँ तक इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो काम करके हम अपना जीवन को बड़ा सक्सेसफुल मानते हैं ये कोई सक्सेसफुल जीवन नहीं है, है? इससे तो जानवर हमसे बड़े सक्सेसफुल है फिर ये मानव शरीर को इतने दुर्लभ क्यों बताएगा केवल एक काम है वो काम क्या है गोस्वामी भगवान राम अयोध्या वासियों को ये बात समझाते हैं बोले साधन मोक्ष कर Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 H
उसको बाद में कहते हैं, उसको बाद में सार कर पिटते रहोगे, लेकिन भगवान इस मानव शरीर दो बार ठाकुर देने वाले नहीं, इसलिए स्वतः प्रकृति तपस्य समर्थ इच्छा भय। अगर जीवन में अभय पाना चाहते हो, जीवन में शांति सुख पाना चाहते हो, क्या करो? स्वतः भगवान की कथा सुना, भगवान का कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करो। लेकिन ये तीनों भक्ति में जो बीच वाले भक्ति है ना, ये कीर्तन है। जो बीच वाले भक्ति कीर्तन, बोले कीर्तन क्यों? बोले ये तीनों भक्ति में ये कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। जो कीर्तन करेंगे वही श्रवण होता है, बोले वही स्मरण होता है। मतलब जितने सारे भक्तियों में जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन। इसलिए श्री महाप्रभु कहते हैं जो संकीर्तन जो धर्म है कलियुग का, ये सर्वश्रेष्ठ श्री ये संकीर्तन धर्म है। बोले श्री हरिनाम महामंत्र की, बोले श्री सचिनंद गौर हरि। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित कोई चिंता मत करो, तेरे पास में सात सात दिन है। एक खटवांग नाम का राजा थे, उन्होंने तो एक मुहूर्त में ही भगवत प्राप्ति कर लिया। तेरे पास में तो सात सात दिन है, इसलिए जिता सात जिकर श्वास। पहले कोशिश करो एक धाम मंत्र सुनो। प्रथम भगवान ने भजन करते वेले कृपा भजन करता हुए प्रथम चेष्टा करता हुए जाते एक जगह बसे हरिनाम करते बारे हमारा जे रखम घूरे घूरे हरिनाम करना। हाँ जब माला पूरी ना है तब करो, क्योंकि नियम होलो जब हम भजन करता है हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते एक जगह बसे मन किए हैं हरिनाम करा रहे हैं। और जब मन ना लागे सामने तुलसी वृक्ष रखे दे, तुलसी गाछ वृक्ष रखे सामने रखे हरिनाम करता है। यदि किचु एक रकम भावे किचु के लिए हरिनाम करो ताते यदि मन ना लागे हरे कृष्ण महामंत्र लिखे दिए, हरे कृष्ण महामंत्र लिखे दिए ताकि देखे देखे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। देखिए मैंने किस किस लोग आचे किस दिन भजन करने पर ना माला फला सब छड़ी दे दी, भले किचु बोले ही ना हमारे किचु पहला ना मन हरिना मर बोले शक्ति नहीं ना कि मैंने तुम्हें ठीक ठीक भाई भजन करना है। भजन जे भाव कर ले भाई ना सही रकम भाव तुम्हें भजन करना है, एक दिन तुम्हें को अनुभूति कर लो है। यदि एक जगह बसे हृदय देखे सामने तुलसी वृक्ष रखे यदि सिखान हरिनाम करते तभी तो किसी अनुभूति हो तो है सिखान तब तो मन दिए हरिनाम करना है तो हरिनाम तो तुम्हारे मन की कर लागे हो। एक दिन बोले एक दिन बोले जीता जित श्वास जित साना प्रथम निजे आसन है एक जगह बसे मन दिए हरिनाम करता है। एक दिन तिनी बोले देखो चमतनी भगवान ने हमें दुई गुरु एक हलो स्थूल रूप और एक हलो ना सूक्ष्म रूप। बोले प्रथम भगवान ने स्थूल रूपे तो मन लगा, स्थूल रूप माने बोले सिया राम गए सब जग जाए, बोले तुम्हारी जहाँ नेत्र पड़े अगर चंद्र सूर्य को देखो तो भगवान की तो आँख समझो, अगर वृक्ष को देखो तो भगवान की रोमावली समझो है, नदी को देखो तो भगवान की नस नारी समझो। ऐसे ही जहाँ नेत्र पड़े
संपूर्ण ये विश्व ब्रह्मांड को भगवत स्वरूप समझो। फिर ये मन को धीरे 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 भगवान की सूक्ष्म शरीर में लगाओ, जैसे कृष्ण कैसे त्रिभंग ललित रूप में, कैसे भगवान मिट्टी मिट्टी बंसी में जा रहे। कल जैसे हम सुन रहे थे राधा रानी जैसे बराहा पीड़म नटवर बपु करने वो करने आरम, कृष्ण का गला में कैसे त्रिवल पड़ा हुआ, कैसे पीताम्बर पहने, तीन जगह से कृष्ण कैसे पहने हैं, गले में कैसे सुंदर कृष्ण बलमाला पहन करके रखे। धीरे 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 ये मन को भगवान की सूक्ष्म शरीर में धीरे धीरे मन लगाओ। जब ये सब बात को बता रहे थे ना, अभी श्री परीक्षित महाराज सोच रहे थे, बोले भूखे ना भजन हो गोपाला ले लो तेरी कंठी वाला। ये तो बोले भजन भजने की बात बताते हैं, ये भोजन की बात बताते नहीं। बोले भोजन के लिए क्यों चिंता करते हो, ये भगवान इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधा क्यों लगाए, कितने तरह का फल देखो, कितने चीकू है, अमृत है, केले हैं, आपेल है, कितने तरह का फल भगवान क्यों लगाए, अपना भक्त के लिए तो लगाए ना। बोले स्वयं के कहा, बोले भगवान इतने बड़े पृथ्वी क्यों बनाए, बोले बगैर तकिया में तो नींद नहीं आएगी, बोले भगवान हाथ दिया ना उसको तकिया बना लो, बोले पानी कहाँ से पिएंगे, बोले देखो कितने गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कितने सारे उन्होंने नदी बनाए, बोले पिएंगे कैसे, बोले भगवान मंजर दिया ना उठा करके पी लो, बोले कपड़ा कहाँ से पहनेंगे, बोले भगवान ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जिनके जिनके जो छाल है जिनके वो बड़े सुंदर कपड़े जैसे, इसलिए कोई चिंता मत करो, निश्चिंत होकर के भगवान की भजन करो। कृष्ण स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं अन्य न चिंतन तमाम जजना बंदी पा सकते तेसा नित्या भी युक्ता नाम दुर्गा। कृष्ण स्वयं बड़ी प्रतिज्ञा की है, जो अन्य रूप में भजन करते हैं भगवान कहते हैं इसका सारे दायित्व मैं लेता हूँ। देखो एक छोटी सी कथा सुनो, हम कहते हैं ना दाने दाने में खाने वालों का बोलो उसके बाद में क्या, दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ अपने सब हिंदी घुसती का चिंतन करो, हे भगवान देव फिर हाथ मिला से पकड़ दो नाम हिंदी बोलो बांग्ला बोलो, बोले चार भाग्य जेटा आछे ना दाने दाना ते भगवान सेखाने नाम लिखा आछे के कौन का खावे ना खावे, एक दिन की होई छे एक जन नास्तिक एक जन आस्तिक जोड़ाई हुई छे, जे नास्तिक वो बोल छे जर भगवान के माने ना, बोले आम ये सब कथा मानी ना दाना दाना तो खान खावा जे खावे और नाम का लिखा छे हम ये सब मानी ना, जे भगवान के भजन करे बोले देखो तुम्हारे भाग्य यदि देखा लगना तुम्हें जेठाने खाके ना करो सेठाने खावा निश्चित पाव, बोले यदि गाचे ऊपर चढ़ बस जाए यहाँ के खावे बोले तुम्हारे भाग्य यदि देखा लगे तुम्हें सर ओखाने खावा नहीं देखे पहुँच ही जाए, बोले ठीक है हम ये परीक्षा मिल देखो। एक हमें की हो ওইটা নদী ধারে একটি বৃদ্ধ ছিল, ও ভগবানের সঙ্গে লড়াই করে দেখব কি করে ভগবান খাওয়া, ও পুরো নাস্তিক ভগবান মানত না, বলে ঠিক আছে আমি গাছের উপরে চড়ে বসে আছি দেখব আমাকে কে খাওয়ায়, এখন ওই গাছের উপরে চড়ে সব কিছু দেখেছে, কি দেখছে কিছু লোকরা নদীতে স্নান করতে এসে ওই বৃক্ষ নিচে না সুন্দর সুন্দর সেখানে খাবার বানাচ্ছে, সুন্দর সুন্দর সেখানে লুচি হ্যাঁ সুন্দর ছোলার ডাল সেখানে নারকেল দিয়ে আর আলু দম হ্যাঁ ঘি দিয়ে সুন্দর উপর থেকে সব দেখছে কি হচ্ছে নিচে, যখন ওরা বানা ছিল ওই জঙ্গলে না কিছু ডাকু বদমাশ লোকেরা ছিল, এখন ওরা ডাকু গুন্ডা বদমাশের আক্রমণ করে যখন আক্রমণ করেছে না ওই যে নিচে লুচি হ্যাঁ সবজি ডাল বানা ছিল ওরা তো সব ছেড়ে ছেড়ে দিয়ে ভেঙে পালিয়েছে ওখানে, উপর থেকে সব দেখছে কি হচ্ছে এখানে হ্যাঁ, ইতিমধ্যে কি হয়েছে ওই যে ডাকুগুলো ছিল বলে আরে খুব খিদে লেগেছে হ্যাঁ খুব খিদে লেগেছে যদি কিছু খাওয়া পাওয়া যায় ওই লুচি সুন্দর ছোলার ডাল আলু দম বলে আরে খুব সুন্দর সুন্দর এখানে বানানো আছে হ্যাঁ তো খিদে লেগেছিল যখন খেতে যাচ্ছে আর একটা ডাকু বলে সাবধান এখানে কি কোনো শেঠ সাহুকার আছে তোমার যেন এখানে সুন্দর সুন্দর বানাবে, নিশ্চিত রূপে কেউ জানে এই জঙ্গলের মধ্যে ডাকুগুলো থাকে নিশ্চিত রূপে বিষ মিলিয়ে রেখেছে আমাদের খাওয়ার মধ্যে আর খেলে আমরা মরে যাবো দেখো আশেপাশে নিশ্চিত রূপে কেউ আছে, বললাম কথা তো তুমি ঠিক বলছো, এখন এদিকে দিকে তাকিয়েছে ও তাকিয়ে তাকিয়ে গাছের উপরে যেমন দেখে না ওই বসে আছে দেখো তোমাকে বলছিলাম না ওই লোকটি এর মধ্যে বিষ মিলিয়ে আমাদের মারার জন্য এখানে বসে আছে হ্যাঁ, বলে তুমি আমাদেরকে মারবে এই নাম
नीचे ना आओ जोर को ना पिए छे बोले खाओ हमारे के बीच में मेरे से दूर छाप कर है मेरे मेरे वजे खावा था ना दो जन ने खावा छिलो ओके मेरे मेरे मुखे फुसे फुसे करे दो जन ने खावा के भावे छी खावे थी बोले तू ही मर हमारे हाथ हमारे हमारे मार में यहां चली गई छी तो खाना बोले से सती सती दाने दाने में खाने वाले का नाम लिखा हुआ है चार भाग्य जेका खाके आमी कुठाई भगवान रे सकल लड़ाई करे एक गाछेर ऊपर बसी आछी और देखो आमाके आ भगवान से लड़ाई करा छी ना एक ने दुई जन रे खावा काम को मेरे पे खावा तखन ओ जे नास्ति की छलो ना तबे तक को आस्ति जो बोले जे तो बड़ो भक्त हो तेरी तहन एक कविता लिखे छे बोले अजगर ना करे चाकरी पंखी करे ना काम दास मलु को कहे गए सबका दाता नाम उनका नाम है मलु तेरी इतने बड़ा भक्त बोले अजगर ना करे चाकरी बोले अजगर कौन तो चाकरी करे पंखी करे ना काम पाखी कौन काज करे अते है ना करे काम दास मलु को कहे गए सबके दाता नाम सवाल जे के दीछे भगवान राम सवाल जे खावा दीछे एक नहीं निश्चिंत तो होए की करो एक बार हाथ उठिए बोलो बोले हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे जोर करे हरे राम 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 हरे हरे जोर करे बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 দেখছেন সাধারণ কোন কাজ করছে সারা দিদি গোবিন্দের নাম কীর্তন করছে দেখো কত বড় বাড়ি কোটি কোটি টাকার বাড়ি কে দিল কে দিয়েছে গোবিন্দকে দিয়েছে এখানে ভগবানের ভজন গর্ব করে তিনি আমাদের জন্য সব কিছু করবেন ঠিক আছে বলে শ্রী বৃন্দাবন বিহারি লাল ইসলিয়ে দেখো আগা হিন্দি আধা বাংলা বলো ইসলিয়ে ইহা পর কেতে কোই চিন্তা মত করো খুব ভগবান কি ভক্তি করো डट करके भगवान की भक्ति करो भगवान सब कुछ ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे ठाकुर जी सब कुछ तब यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी कहते हैं भगवान हमें ये इंद्रिया क्यों दिए हैं बोले ठाकुर जी ये दो हाथ क्यों दिए बोले ठाकुर को सेवा करने के लिए अगर यहाँ से यहाँ पर सोने की कंगन पहने लेकिन इन्हीं हाथों से हम ठाकुर जी का सेवा नहीं करते बोले हाथ क्या है बोले सब करोगा पुरुष सफल किया वो हाथ नहीं वो मरा हुआ हाथ है पूर्वज को पिंड देने से पूर्वज पिंड ग्रहण नहीं करेगा बोले क्यों बोले तुम इन हाथों से गोविंद का सेवा नहीं करते हो बोले भगवान जीवा क्यों दिया बोले उनका कीर्तन करने के लिए अगर ठाकुर का कीर्तन नहीं करके अगर दिन भर टटर टटर करते हो ना कभी ये जीवा नहीं बोले ये मेढक का जीवा आप देखना बरसात का समय पर वो मेढक टटर 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 करता है और इसका काल कौन है सर्प है अभी धीरे 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 सरकार झट पकड़ लेता है इसलिए जो व्यक्ति ये जीवा में कृष्ण कीर्तन नहीं करके ये दुनिया की बात को दिन भर तरतर तरतर करता है एक दिन ये काल की सरकार को ग्रास कर लेगा बोले भगवान आंख क्यों दिया है किसलिए दिया है बोले बड़ा ही देर दे नहीं अगर इन्हीं आंखों से भगवत दर्शन नहीं किया ना बोले भैया मौर पंथ में भी बड़े सुंदर सुंदर आंख है वो आंख नहीं वो पाँख है बोले ठाकुर जी कान क्यों दिए बोले कथा सुनने के लिए अगर कथा नहीं सुन करके दुनिया की इधर उधर की बात सुनते हो तब ये कान नहीं ये तो वीर है जिसमें काल रूपी सर्प निवास करता है बोले भगवान को प्यार क्यों दिया बोले सत्संग में आओ भगवत कथा सुनो अगर दो प्यार से सत्संग में नहीं जाते हो सारा दुनिया में जाते हो लेकिन भगवत कथा में नहीं आते हो तो ध्रुव जन्म भाजो आखिर जन्म भगवान आल मानुष जन्म दिखेगा बोले वही दास हुई जन्म तो जैसे हम एक जगह जा लिया से कोई साधु संग तो कर लेना ठाकुर मंदिर तो गले ही ना सारा दुनिया घूरी बैठा ले वही दास हुई था तो है बोले भार परम पट किरीट दुष्टम एक माथा टिके ना दिए छे बोले भगवान चरण प्रणाम करार देने सुंदर पगड़ी बैठे छो किंतु ठाकुर चरण प्रणाम करना एक माथा के भार आ ना संसार भगत मन के घूमिए दिवस मार
तबे समस्त इंद्रिय सार्थकता यदि এই समस्त इंद्रिय के আমরা গুণের সেবায় লাগাই এখানে থেকে এই সৃষ্টির ক্রমকে এখানে বর্ণনা করছে যেখানে পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন ভগবানের নাভি কপাল থেকে পিতামহ ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছে এখানে ব্রহ্মা তিনি চারিদিকে তিনি জলি জগতে দেখছে তিনি চিন্তা করছেন কোথা থেকে এলাম তখন ব্যঞ্জন ব্যঞ্জনে সোলমা একোষমা শব্দ শুনতে দিয়েছে তপ তুমি তপস্যা কর যখন তিনি তপস্যা করছে ভগবান তিনি সেই সুন্দর বংশী ধ্বনি করছে সেই বংশী ধ্বনি দ্বারা তিনি ব্রহ্মার কানে তিনি আমাদের যে গুরু পাদ পদ্ম গোপাল মন্ত্র আমাদের দিয়েছে এই গোপাল মন্ত্র কে কাকে প্রথমে দিল ভগবান কৃষ্ণ তিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে দিয়েছে হ্যাঁ এই মন্ত্রকে তখন ব্রহ্মা এই মন্ত্রটি জপ করে তিনি এই অনন্ত এই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি সৃষ্টি করেছে এই যে নিয়ম হল গুরুদেব আমাদের যে গোপাল মন্ত্র দিয়েছেন না কখনো মন্ত্র ছাড়বে না বলে যদি তিন দিন যদি কন্টিনিউ জপ না করে না তখন মন্ত্র শক্তি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে মন্ত্র শক্তি তখন থাকবে না এই জন্য মন্ত্রকে সুন্দরভাবে জপ করতে হবে ত্রিসন্ধ্যা আচমন করে পবিত্র হয়ে এই মন্ত্রকে আমাদেরকে জপ করতে হবে হ্যাঁ এই জন্য মন্ত্র তিনি তিনি ভগবান থেকে তিনি এই মন্ত্র পিয়ে তিনি জগৎকে তিনি সৃষ্টি করছেন তিনি পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টি করে তিনি প্রথম সৃষ্টি চতুর্থকে তিনি সৃষ্টি করলেন বলে ভগবানের নির্দেশ হল এই সংসারকে ক্রমকে বাড়াও চতুর্থ মানা করল এই সংসারের মধ্যে আমরা পড়তে যাই না সংসার খুব দুঃখময় সংসার হ্যাঁ এখন ব্রহ্মার ক্রোধ হয়েছে ভগবানের নির্দেশ হল সৃষ্টির ক্রম বাড়াতে প্রথম সৃষ্টি তার মনা করে দিল এখন ওনার লড়াল থেকে রুদ্র প্রকট হয়েছে শিব ঠাকুর তিনি প্রকট হয়েছে রুদ্র যখন ওনাকে আদেশ দিয়েছে কিন্তু শিব তিনি কে সত্য শিব সুন্দর হ্যাঁ এখানে যোগী যোগী মহাযোগী হলেন শিব ঠাকুর তিনি বৈষ্ণবানাম যথা সম্ভব বৈষ্ণবদের মধ্যে তিনি অগ্রঘটনা ওনার কোনো ইচ্ছা নেই সংসার করতে হ্যাঁ ওনার ইচ্ছা হলো ভগবানকে ভজন করতে তিনি দেখলেন যে তিনি বড় দাদারা তো মানা করে দিল ভজন করবে না আমি যদি মানা করে দিই না যদি পিতা আবার ক্রোধ করে বলে এইরকম কাজ করে পিতা আমি যাতে নিজে থেকে বলে দিয়ে তোমাকে সৃষ্টি করতে পারবো না এই জন্য তিনি ভূত পিশাচকে সৃষ্টি করতে আরম্ভ করতে ব্রহ্মা বললে এগুলো সৃষ্টি না সৃষ্টি ধ্বংস করবে না এগুলো মানে সৃষ্টি ভূত পিশাচ বন্ধ করে এগুলো বলে খুব ভালো হয়ে গেছে বেঁচে গেলাম হ্যাঁ তখন তিনি তখন তিনি নিজের ছায়া থেকে তিনি কর্দম ঋষিকে তারপরে দশটি সন্তান তারপরে তিনি মন সতরূপাকে তিনি সৃষ্টি করলেন নিজের শরীর থেকে আর এই খান থেকে সৃষ্টি ধীরে 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 প্রারম্ভ হলো এই মনু মহারাজ থেকে আমরা সৃষ্টি হয়েছি এখানে আমাদেরকে কি বলে কি বলে কিন্তু আমাদের ডারউইন থিওরি কি বলে জানেন তো ডারউইন থিওরি কি বলে আমাদের পূর্বজনা প্রথমে তার বান্দর ছিল ওরা কি বলে ইয়ে ডারউইন থিওরি ইয়ে বেটা নে আমারে যে পূর্বজ লোক পেলে বন্দর থে উনকা পুঁছ কটতে 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 জব খতম হো গিয়া ফির কিয়া হো গিয়া ফির হম ধীরে ধীরে ইনসান হো গিয়ে লেকিন হামারে শিল ভক্তি বেদান্ত শিল স্বামী মহারাজ কেতে ইয়ে ডারউইন কা জো পূর্বজ লোক না ইয়ে বন্দর থে লেকিন হামারে পূর্বজ লোক বন্দর নেই থে হামারে পূর্বজ তো ভগবান কৃষ্ণ ওর রাম ये बद्दर से इंसान नहीं बने हैं अगर उसी समय की वो एक बद्दर से इंसान बन गए अभी कितने सारे बद्दर है कोई इंसान बनता है बता कोई इंसान बनता है तब भी क्यों बने अभी क्यों नहीं बन जाते हैं कहते ना बद्दर का पूंछ कटते 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 खत्म हो गया लेकिन वो बीच का अंश गया था बद्दर का अब ये चीज को समझो ये पूंछ कटते 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 खत्म हो गया लेकिन ये बीच का अंश था जब कटा धीरे धीरे खड़े हो रहा था ना वो बीच का अंश कहाँ है वो गया कहाँ इसलिए ये डार्विन मरने से पहले ही बता कर गया बोले कभी बंदर से इंसान नहीं बन सकता है फिर ये क्यों बताया कि बंदर से इंसान बना इसलिए बनाया वो कहता है मेरे को ये सरकार गवर्नमेंट ने कहा था तुम लोगों को नास्तिक बनाने के लिए तुम इसको प्रूव करके दिखा दो ये बंदर से इंसान हो बोले क्यों बोले लोगों को नास्तिक बनाने के लिए मरने से पहले खुद बोल कर गया
ये बंदर से कभी इंसान नहीं बनता है, बंदर से कभी इंसान नहीं बनता है। इसलिए हमारे जितने वेद पुराण देखो, हमारे भगवत गीता को देखो, कृष्ण क्या कहते हैं, ममई मांस जीव लोके जीव भूत सनातनी, गीता कहता है जो जीव है वो मेरे अंश है, मैं जैसे सनातन हूँ जीव भी सनातन। आप क्रिश्चियन का बाइबल को उठा करके देखो, क्रिश्चियन का बाइबल में बताया गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, ये बाइबल कहता है। वो कहता है भगवान ने अपना जैसे इंसान को रूप दिया। अब मुसलमान का कुरान को उठा करके देखो, वहां पर कहते हैं, वहां पर अल्लाह ने सूरत या शब्द आता है, अल्लाह इन हालत में सूरत या एक शब्द है, कहते अल्लाह ने क्या कि अपना सूरत जैसे अपना रूप जैसे इंसान को दिया है। अब भगवान कृष्ण का रूप नहीं देखो, भगवान कृष्ण का रूप देखो और भगवान का राम का रूप देखो, आपका शरीर में मिलता कि नहीं, भगवान का राम का नाक जैसे हमारा नाक जैसे, भगवान कृष्ण का दो हाथ हमारा दो हाथ है, भगवान का छाती जैसे प्यार जैसे हाथ जैसे हमारा हाथ है कि नहीं। एक बंदर को ला करके मिला मिलेगा, एक बांदर के नीचे से शरीर में मिला मिलवे, और चौकी संग मिलवे ना, हाथ संग मिलवे ना, पायर संग मिलवे मिलवे ना। अतः हमारा बांदर थे तो ही कार कास्ते कोई थी, कार कास्ते कोई थी भगवान के कास्ते कोई थी है, एक ने हमारा बांदर कास्ते के हरी नी, एक ने हमारा मनु महाराज के होई थी, एक ने हमारे बोले हमारे के मानव बोले, एक ने मानव बोले, एक हम के जो सृष्टि क्रम, एक हम के धीरे 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 सृष्टि क्रम, एक जगत ऐसे थे हाँ, एक जगत ऐसे थे, एक जने के तो बोले ना, और भगवान भगवान तुम देखे चो बिना देखे भगवान के मानव की जो देख ले तो भगवान के मानव को अपना अंदर इतना सुंदर का स्टोरी सुना थी मन रख लो लोग दल सुना थी। बोले एक समय अकबर का जो मंत्री था बीरबल, अकबर का मंत्री था बीरबल, एक समय अकबर ने बीरबल को दो प्रश्न पूछा। उसका पहला प्रश्न था, बोले तुमको दो दिन के अंदर में इसका आंसर देना पड़ेगा। पहला प्रश्न था भगवान है तो कहाँ है, दूसरी प्रश्न है अगर भगवान है तो अभी क्या कर रहे हैं। बोले दो दिन के अंदर में इसका आंसर तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। अभी बीरबल तो बड़ा चिंता में पड़ गया, बोले भैया भगवान है तो मेरे को क्या पता, मैं कहाँ क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता भगवान क्या कर रहे हैं। वो तो घर में आकर के ना तो चुपचाप हो गया। उसका एक छोटा बेटा था, बोले क्या हो गया पिताजी, ऑफिस से आकर के एकदम चुपचाप क्यों हो गई। बोले पिताजी क्या बात है, आप तो खाना पीना बंद क्यों कर दिए। बोले तू छोटा बच्चा ये बात को नहीं समझोगे। बोले पिताजी बताओ ना बात क्या है। बोले बेटा बात बड़ा गंभीर बात है, ये अकबर ने हमें ये दो प्रश्न किया है, अगर दो दिन में इनका आंसर नहीं दे पाया तो मैं नौकरी जाएगा, अभी तुमको पालू कैसे। बोले पिताजी इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप इतने बड़े चिंता में पड़ गए हो, कोई चिंता मत करो, जब दो दिन बाद में आप जाओगे ना मेरे को साथ में लेकर के जाना। अगर राजा प्रश्न करे तो आप ये बताना, अरे ये कौन सा बड़ी भारी क्वेश्चन, ये मेरे छोटा बच्चा भी इसका आंसर दे सकता, तू दे दोगे। बोला हाँ पिताजी कोई चिंता मत करो, अभी दो दिन बाद में पहुंचे। अकबर ने पूछा बीरबल तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर लेकर के आया कि नहीं। बोले महाराज जी ये कौन सा बड़ी भारी क्वेश्चन, ये मेरे छोटा बच्चा इसका आंसर दे सकता है। बोले बता भगवान है तो कहाँ है। अपना ये कहानी का अलग मन रखे करना, बांग्ला तो आने के तर्क भीतर पर लोग आते ना, अपना मन रखे कहानी की। एक बार फिर प्रश्न करते बोलो कुथाई भगवान दिखाओ। बोले बोले महाराज 10 किलो दूध मांगे से। तिनी बोले आपनी बोलो ने मेरे मते घी आछे कि ना। बोले आछे। बोले दिखाओ कुथाई घी आछे, कुथाई घी आछे दिखाओ। बोले एमने की घी देखा जावे, बोले तमे गरम कर तापर जमा दे तापर मंथन कर दे तापर माखन बेर हवे ओके गरम कर ले तो ना घी आवे। बोले महाराज ये दूध रे मते घी आछे किंतु तार का प्रोसेस आछे बेर कर है, साधारण दूध के घी बेर कर ने এত বড় প্রসেস আছে। আর আপনি কি বলছেন ভগবান কোথায় দেখা, এটা লাড্ডু না বাকি খেয়ে নিল বলছেন, আপনি রূপ গোস্বামী বলছেন না কৃষ্ণ দেব ভগবন্ত মন্দে
कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे मनमानस मधुकर वर्पय निज पद बोले हे प्रभु तुम्हारे पावर जने ब्रह्मा तिनी कतो कठोर तपस्या कर छे कि तु तपस्या करयो तिनी तुम्हार चरण विज मखर जे ज्योति सेटा को पर्यंत दर्शन करार संभव है ना एकने बोल छे शिव ब्रह्मा अमर पति गणेशार चित पद से सब हे सब गणेश दिनेश सुरे सौ चाहि निरंतर ध्याने हैं जरा बड़े बड़े देवता तुम्हारे के पावर जी ने पकड़ो पकड़ो तपस्या करी ब्रह्मार मत शिविर व्यक्ति व्यक्ति तुम्हारे दर्शन करते पावर जाए काली का हमारा कथा सुन लो हैं और तुम ही बोलते भगवान को कैसे देखे पर लाडू ना दीवानी खेल ला इसने भगवान के पावर जी ने प्रथम श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि निष्ठा आसक्ति भाव प्रेम प्रेम अवस्था पे कृष्ण दर्शन है तार आगे दर्शन है ना है जब हम बोले छे ना राजा तो खुश हो गए प्रसन्न हो गए बोले प्रथम प्रश्न उत्तर दिए गए बोले द्वितीय प्रश्न की चलो बोले द्वितीय प्रश्न की चलो हाँ द्वितीय प्रश्न बोले भगवान ने कहा की कर चें तब हम बातचीत चलता बोल चें के प्रश्न कर चें बोले आमी बोले उत्तर कह दी बोले तू ही बोले जे प्रश्न करे वो स्टूडेंट है जे आंसर जे टीचर है और टीचर कुठा है बस ऊपर और छात्र कुठा है नीचे बस और आपनी प्रश्न कर छे ना आमा के और आमी नीचे दारी आ छे और ऊपर आपन बस प्रश्न कर छे यदि उत्तर सुनते चा ऊपर ते ने मेने आ सुन ली छे और आमा के ओई सिंहासन ते बसा तार पर हाथ जोड़े आमा के प्रणाम करे हां करना कृष्ण के भी बोलते हैं तद्भी भी प्राणी पाते न परी प्रश्न न सवैया प्रथम के प्रश्न करो तापर चरण प्रणाम करो सेवा करो तमन से आध्यात्मिक ब्रह्म विद्या के तमन भेद बारे में अरे आपने ऊपर बसे प्रश्न कर नीचे ना तो हाँ को ऊपर बसा एक हाँ बसे ले ची एक हाँ ना ऊपर बसी है नीचे नहीं है ऐसे हाथ जोड़ कर प्रश्न कर ची बोलो भगवान की कर ची बोलो भगवान तो यही कर ची एक बार चंते ने एक सेकंड पर थे तिने रंग का के तिने राजा बनाते कारे राजा के तिने रंग का बनाते कारे तिने हाँ तिने एक दास के तिने संग संग तिने ऊंचे आसने राजा बनाते कारे राजा के तिने भिखारी बने तिने कारे अपनी एक तो आगे राजा चले ना अपना के संग संग तिने तिने मच्छड़ के ब्रह्मा ब्रह्मा के वो मच्छड़ बना सकते हैं अभी आप तो उतार कर जाने ऊपर बैठा दे भगवान तो यही कर रहे हैं कर्तम ऋषि ने कठोर तपस्या की तपस्या करने पर भगवान संतुष्ट होकर दर्शन किया बोले बताओ क्या चाहिए बोले प्रभु आपकी चरण में अचला भक्ति हो बोले कथा सुन
बोले और क्या चाहिए बताओ। बोले प्रभु मेरे मन में तो संसार करने का कोई भी इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा ये संसार करे, लेकिन मैं संसार कर सकता हूँ, दो शर्त है। बोले बताओ। बोले पहला शर्त है अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे ना, अगर मैं शादी करूँगा बेटे बनोगे। बोले बनूंगा। बोले दूसरा शर्त है तब तक रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए। बोले ठीक है। अभी माता देहूति को साथ में ये कर्तव्य ऋषि की यहाँ पर शादी हुई, फिर शादी के बाद में फिर कर्तव्य ऋषि तपस्या में बैठी गई, 10,000 साल तपस्या की शादी के बाद में। और माता देहूति ने अपना पति प्रता धर्म को रक्षा करते हुए उन्होंने पति की उन्होंने सेवा करते रही। अभी पति भोजन नहीं कर रहे, जब पति भोजन नहीं कर रहे फिर पत्नी कैसे भोजन करेगी, उसने भी भोजन नहीं की। पति स्नान नहीं कर रहे ये भी कैसे स्नान करेगी। अभी सेवा करते करते ना इनके एकदम जटाजुट हो गई। 10,000 साल के बाद में जब आँख खोला वो तो एकदम दुबली पतली बन गई। वो शादी से पहले इतने सुंदर थी तक स्वर्ग का देवता भी इनकी सुंदरता को देख करके वही तो हो जाते थे, इतने सुंदर थी। लेकिन प्रकृति की सेवा करते करते वृद्धा हो गई। बोले बताओ क्या चाहिए। बोले आपने शादी क्यों किया था, सृष्टि का क्रम बड़ी। बोले हाँ। बोले जाओ तुम ये बिंदु सरोवर में स्नान करो, स्नान करते ही अपूर्व सुंदरी बन करके पहले से भी ज्यादा सुंदरी बन करके प्रकट हुई, 1,000 दास दासियों के साथ में। और उसी कर्दम ऋषि ने योग प्रभाव से एक विमान सृष्टि किया जिसका नाम था कामक विमान। देखो एरोप्लेन केवल एक आना आगे आगे का जो साइंस ना एखनकार साइंस देखो अनेक एडवांस किया है। एक आगे का जो साइंस एखने जब है तभी कामक विमान, कामक विमान माने कि पेट्रोल डीजल दरकार नहीं है, उधर इच्छा अनुजाई प्लेन चल गई। कत बड़ छिल बोले कत क्रोश पर्यंत जेखने सुंदर सर्व, जेखने सुंदर राज प्रसाद, जहाँ चार तरह का कमल फूल जहाँ पर खिला हुआ, जहाँ पर बेली चमेली जुई केतकी सुंदर जखने फूल फुटे आछे अद्भुत जगह विमान, एखन से विमान मध्य बसे तिनी आकाश तिनी विचरण तिनी सेखान करछे। हाँ चार मध्य बसले खिदे लागबे ना, चार मध्य बसले के बुढ़ो और बुढ़ी हबे ना, और मध्य बसले पर अद्भुत विमान छिल साइंस रे एखन बनात बारबे बोलो हैं बनात बारबे बनात बारबे ना। अतए अतए एखन ओनार नाइटी सुंदर सुंदर नाइटी मे होइ छे कर्तव्य ऋषि बोल एबार तुम तो संतुष्ट होइ छ नाइटा नाइटा सुंदर मार मे होइ छे। बोले ना मेरा तो बिहे कर लीजे बापत लीजे ससुर बार चल जाबे हमार काछे के थाकबे। भगवान बोल छले ना तुम्हार अभी छेले होइ आसबो। तमन माता देह दिदिनी कर्तव्य ऋषि तिनी पूजो सेवा करे हैं, तमन भगवान कृपा करे तिनी माता देहूति गर्भवती भगवान की कपिल देव रूप जन्म ग्रहण कर चाहे। बोले भगवान कपिल देव की जय जय श्री राम। प्रभु आजना प्रभु आज महाराज प्रिय शिष्य सुंदर भजन सुना सामने महाराज ओ जय जय श्री राधारमण जय जय नमर किशोर जय गोपी चित चोर हरि जय जय पधारो मेरे
बोले भगवान को, बोले भगवान तो तेरे बेटा बन के घर में बैठे, ये चीज वो अच्छे तरह से समझो, बढ़िया भगवान को पाने के लिए जा रहे हो ना, बोले हाँ, बोले भगवान तो कपिल मुनि रूप में तुम्हारे घर में ही, फिर और कौन सा भगवान को भक्ति के लिए जा रहे हो। यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा दिया, बोले जीवन में हमारा जो प्रयोजन है, कृष्ण हमारी प्रयोजन नहीं, हमारे क्या प्रयोजन है, प्रेम प्रयोजन, हमारे क्या प्रयोजन, प्रेम प्रयोजन, कृष्ण प्रयोजन नहीं है। जैसे अगर कृष्ण प्रयोजन होता तो भैया कंस ने तो कृष्ण को देखा है, लेकिन कंस का परिवर्तन चित्त हुआ है नहीं हुआ, चारों मृष्टि को स्वयं कृष्ण को साथ में मल्ल युद्ध किया, क्या कल्याण हुआ है, अघासुर बकासुर पुतना स्वयं छाती में कृष्ण को गोद में उठाया, लेकिन उसका कोई परिवर्तन हुआ है, कोई नहीं। मेघनाद ने राम को देखा कि नहीं, देखा है ना, लेकिन नाग भास बंधन में बांधा, उनको ऊपर में शक्ति शैल की प्रयोग की। रावण ने राम को देखा कि नहीं, देखा, लेकिन उसका कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। शिशुपाल ने कृष्ण को देखा, कृष्ण सामने खड़े, गाली को ऊपर गाली 101 गाली निकाल दिया, इनका कल्याण क्यों नहीं हुआ। हमारी प्रयोजन कृष्ण नहीं, क्या प्रयोजन है, प्रेम प्रयोजन। इसलिए प्रेम धन बिना मोर दरिद्र जीवन, महाप्रभु कहते हैं प्रेम के बगैर जीवन दरिद्र है। अगर हृदय में प्रेम आ जाए ना, इसलिए कल सुन रहे थे प्रेम का दो लक्षण है, सांदर नांदा विशेष आत्मा श्री कृष्ण कल सुन चसा। अगर हृदय में प्रेम आ जाए ना, हमें भगवान को पास में जाने का जरूरत नहीं, भगवान हमारे पास में आएंगे, ठाकुर जी हमारे पास में आएंगे। अब इसलिए घर में स्वयं कपिल देव है, लेकिन कर्तव्य ऋषि भजन के लिए जा रहे हैं। बोले क्यों, बोले जब तक भजन नहीं करोगे, जब तक साधन नहीं करोगे ना, भगवान मिलने वाले नहीं, इसलिए भजन के लिए जा रहे हैं। जब गए घर में दो व्यक्ति रह गए, और उनका नौ बेटी थी, नौ बेटियों का साथ ही नौ ऋषियों का साथ हो गए, घर में माँ और लड़का दो रह गए। अभी मैया को पता मेरे बेटा भगवान है। एक दिन स्वयं श्री माता देवती अपना बेटे को पास में आए, बोले बेटा तू तो भगवान है, अभी मैं स्त्री जाती हूँ, मन बड़ा चंचल है, हमें कुछ ज्ञान की बात बताओ जैसे मेरा उद्धार हो जाए। अरे भगवान अपना माँ को लक्ष्य करके हम सबको उन्हें उपदेश दिया, बोले माँ ये जो मन है ना, बोले मान एव मनुष्य नाम कारण बंधन उत्सव, यही मन ही मुक्ति का कारण और यही मन ही बंधन का कारण है माँ। इसलिए मन को जब भगवान में लगा दो मुक्ति की कारण बनेगा, मन को जब विषय में लगाओ फिर बंधन का कारण बनेगा। इसलिए हमारे 11 इंद्रियां हैं, कितना इंद्रियां हैं, कितना इंद्रिया, 11, 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया, लेकिन इसका राजा कौन है, मन, राजा कौन है, मन। मन ने बताया चलो गौड़ीय मठ में कथा हो रही है, चलो कथा सुन करके आते हैं, सारी इंद्रियां यहाँ बैठ गई। अगर मन बोलता अरे कथा सुन करके आओ, घर में टीवी है ना, आज बढ़िया सीरियल आ रही है, बैठ कर घर में सीरियल कथा सुन करके आओगा, अब देखना सारी इंद्रिया वहीं पर बैठ जाए। इसलिए श्री प्रभुपाद ने बताए, देखो सवेरे उठो और अपना जुत्ती लेकर के मन को 100 बार मारो, क्योंकि ये मन जितना सबसे बड़ा दुष्ट हमारे मन है, हैं? ये मन, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अपना जुत्ती लेकर के 100 बार मन को पीटो। मतलब क्या है, मन को समझाओ, मैं आज सारा दिन भगवान का नाम करना, भगवान की भक्ति करना, गंदी चीज नहीं देखने का, हैं? गुरु वैष्णव का सेवा करना, ठाकुर का सेवा करना, मन को समझाओ। इसलिए बोले माँ ये मन को भगवान के चरण में लगा दो। बोले बेटा तू तो बता दिया मन को लगाओ, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, मन तो बड़ा चंचल बेटा कैसे करे। बोले भैया ये मन को भजन में लगाने का केवल एक उपाय है। बोले क्या है, बोले मैया सतांग प्रसंगात मम वीर जसंबिदो। बोले माँ केवल साधुओं का संग कर, जब तुम मेरे भक्तों का संग करोगे ना, और तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल मेरे भक्तों के पास में जाओ, अगर मेरे भक्तों का संग करोगे तो क्या होगा, हैं? बोले मम वीर जसंबिदो, वो जो कथा है बड़ा बलवान कथा है, लेकिन वो कथा जब तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा, श्रद्धा
रति और भक्ति, धीरे 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 कथाई, धीरे धीरे भगवान के प्रति श्रद्धा, फिर रति, फिर एक कथाई तुम्हें भगवत प्राप्त कराएगा। इसलिए आप पा वर्ग भक्तमनी, अगर मैया कथा सुनोगे ना तुमको पांच चीज की लाभ होगी। कितना बोले क्या? बोले पा वर्ग, बोले पा वर्ग क्या? बोले पा भ ब भ और म, है ना, कचड़ थप खचड़ थप गजड़ थप बोलते ना। अब प वर्ग में क्या आता है? प फ ब भ म, ये सारे खत्म हो जाएगी। बोले प प मतलब परिश्रम, बोले फ हा मतलब होता है फेंड। कभी कभी हम इतने परिश्रम करते हैं मुंह से फेंड निकल जाता है। ब मतलब व्यर्थता, बोले भ भय और म मृत्यु। तो अगर माँ भगवान के भक्तों का संग करोगे तुमको ये पांच चीज की प्राप्ति होगी। बोले इसका मतलब क्या है? बोले देखो परिश्रम, प्रभुपाद कहते हैं देखना कि साधारण व्यक्ति संसार में भी परिश्रम करता है, लेकिन हमारे मंदिर में देखो साधु लोग दिन भर परिश्रम करते हैं, दिन भर साधु ही परिश्रम करते हैं, भक्त भी दिन भर परिश्रम करता है, लेकिन एक साधारण लोग भी परिश्रम करता है। लेकिन साधारण लोग जो परिश्रम किसके लिए करता है? संसार के लिए, संसार के लिए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं दर्धवे रमतामी करी परिश्रम कार लागी ए तो करी ना खोची लभ्रम किसे र संसार ए छाया बाजी प्राय इहाते ममता करी प्रीथा दीन जाय। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं भैया किसके लिए कर रहे हो? दुनिया में कौन किसका? सब तो ही छोड़कर जाना पड़ेगा। एक विषयी व्यक्ति भी दिन भर संसार में परिश्रम, लेकिन एक भक्त भी दिन भर परिश्रम करता है। दोनों को देखने में तो लगता है एक, लेकिन अंदर में आकाश पाताल फर्क है। एक भक्त क्यों पैसा कमाता है? ठाकुर जी की सेवा के लिए। एक भक्त क्यों रोसड़ी बनाता है? ठाकुर जी को भोग लगेगा। एक भक्त मंदिर क्यों साफ करता है? ये भगवान की मंदिर है, ठाकुर जी की मंदिर है। स्नान क्यों करता है? बढ़िया कपड़ा क्यों पहनता है? ठाकुर को सेवा करेंगे। लेकिन एक विषय व्यक्ति जो सदगुरु चरण आश्रय नहीं ग्रहण किया, बोले पैसा क्यों कमा रहे हो? मैं खाऊंगा, बीबी खाई बच्चे खाए, बात जीरो, ये जीरो हो गया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक बढ़िया उदाहरण दिया, हिंदी पुस्तरा से ना गोस्वामी तुलसीदास एक भालो उदाहरण दिए भालो गरीब बोलते राम नाम की अंत है सब साधन की सुना अंक गए बचो हाथ नहीं अंक रहे दसुना। भालक ने पूछो जैसे हम एक रख ले एक 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 रेखे सीधा हाथे एक सुना दिन कत हो बोलो? एक रेखे सामने सीधा हाथे का जीरो दिन कत हो? कत हो बोलो? दस। और एक सुना दिन कत हो? एक सौ। प्रथम कत छो? एक। जब एक जीरो दिले ना संगे संगे दस गुण हो गए, आर जब जीरो दिले संगे संगे दस गुण हो गए, आर एक जीरो दिन कत हो? हजार। छिलो प्रथम एक सौ, किंतु एक जीरो दिले पर संगे संगे दस गुण हो गया। एक हमें एक रात एक एक रात एक अपने हाथी दिन एक एक का सारी दिन एक का सुना दिन कत हो? और एक सुना दिन कत हो? आर एक सुना दिन कत हो? आर एक सुना दिन कत हो? जीरो। तिनी बोल छे कि संसार का जीरो, संसार केवो कारण ना है। एकटा होले का धर्मशाला, जेकम धर्मशाला है अनेक लोग एकत्रित है। बोले तुम ही बताते, बोले बांग्ला, बोले तुम ही, बोले आम ही कलकत्ता थे, बोले तुम ही, बोले आम ही उड़ीसा थे, बोले तुम ही, बोले बिहार थे। रात्रि खूब गप मार लो सकाल हो बस, ये संसार की कोई रकम केवल हमारा गल्प कर तुम्हें हमारा स्त्री आम ही तुम्हारा पति तुम्हें गल्प हर क्यों करना है? समय ले पिता माता समय है, पिता माता से छल समय ले संगे संगे चली जाए भगवान खाग बना संगे संगे चली जाए। किंतु एखने बोले प माने परिश्रम, फ माने फेल, प माने व्यर्थता है। किंतु जब हमें साधु गुरु वैष्णव संगे आवे तब हमें तिनी की करवे? तिनी सद्गुरु चरण आश्रय ग्रहण करे, तिनी जा किछु करवे गोविंद जन करवे भगवान रे जब तिनी करवे निज जन तिनी करवे ना। बोले माँ तो बोले ये साधु संगे एकाई पद जरको सब मायरा बसिया तिलक माला गड्डी लिए सब बसिया चिता जने कर छे गोबी कर जने कर छे की करी होलो गुरुदेव कृपा है हैं। एजने बोले भ भ माने भय, म माने मृत्यु। एखाने प्रश्न कर छे
जे साधु दर की कोनो भय नहीं बोले साधु दर कोनो भय नहीं बोले काल चक्र डराई देखिया विष्णुदास सवाई से काल के भय करके तो काल भक्त के भय करे बोले के ना अरे गोविंद भजन कर बोले हार मृत्यु बोले साधु दर की मृत्यु है ना हमारा मन साधु हमारे सवाई तो मरछे तबने के सुंदर उदाहरण दिए छे अपना सवाई बिड़ाल देखी छे तारा कारा बिड़ाल देखी छे सवाई देखी छे আমি দেখলাম বিড়াল যখন ওইটা বাচ্চা জন্ম দিয়ে না ও মুখে ধরে এখান থেকে ওখানে ওখান থেকে দিনে দশবার করে হ্যাঁ যখন ওই বিড়ালটা মুখে যখন ওই বাচ্চাকে কোলে নিয়ে না মুখে ধরে ও যে বিড়ালের যে বাচ্চাটা খুব খুশি হয় আমার মা যেরকম কোলে দিয়েছে মুখে নিয়ে আমার কোলে দিয়েছে খুব খুশি হয় কিন্তু ওই মুখে বিড়ালকে ধরে কিন্তু যখন ওই মুখে যখন ইন্দুরকে ধরে ওই মুখে যখন ওই ইন্দুরকে ধরে কি হয় তখন ইন্দুর বুঝতে পারে বাবা রে এর মুখে যে কি শক্তি আছে সেইরকম ভাবে দেখা যাচ্ছে একটা সাধুও মরছে দেখা যাচ্ছে একটা সাধারণ লোক মরছে কিন্তু যখন সেই কাল যখন ভক্তদেরকে ধরে না তাদের আনন্দ হয় কিন্তু তাদের বৈকুণ্ঠে গোলক বৃন্দাবনে নিয়ে যায় আর যখন সাধারণ লোক না চাবুক মেরে মেরে গর্ম বালু উপরে টাইট নিয়ে যায় আর সেখানে তাকে একটা বৈতরণী নদী আছে হ্যাঁ এখানে কতদিন পরে শুদ্ধি হয় আমাদের ওইদিকে তেরো দিন পরে দশ দিন পরে শুদ্ধি হয় বলে দশ দিন তেরো দিন কেন ওর পরে শুদ্ধি হয় কেন ভগবান বলেছেন মা যদি কেউ গোবিন্দের ভজন না করে তাকে টেনে টেনে একটি নদী আছে বৈতরণী নদী যে নদীটি কেবল পায়খানা পরিসরা পুজ রক্ত দিয়ে বানা উপর থেকে চাবুক মারতে মারতে তাকে ওই নদীটা পার করানো হ্যাঁ তাকে নদী পার করানো হয় এই জন্য তাকে তেরো দিন লেগে যায় ওই নদীটা পার করতে এই জন্য তেরো দিন করে শুদ্ধ হয় বলে কাদের মেরে মেরে দিয়ে যায় বলে যাদের গলায় তুলসী কাঠি নেই তিলক নেই যারা হরিনাম করে না তাদেরকে মেরে মেরে নিয়ে যায় আর যাদের গলায় তুলসী মালা তিলক আছে হরিনাম করে তারা এই বৈতর নদী মা তারা পার হয় না তারা তো সীতা গোবিন্দের কাছে যায় সীতা তারা গোবিন্দের কাছে যায় এই জন্য ভগবান বলছে মা তুমি সাধু সঙ্গ করো সাধু সঙ্গেই তুমি এই সংসার থেকে তুমি মুক্তি কেবল সাধু সঙ্গে পাবে এই জন্য ভগবান তুমি মাকে খুব সুন্দর সুন্দর সেখানে উপদেশ দিয়েছেন মা সেই জ্ঞানকে প্রাপ্ত করে তিনি কৃষ্ণ প্রেমে তো তিনি বিভোর হয়ে গেছেন তোমার ভগবান কপিলদেব শেষে তিনি কোথায় চলে যায় গঙ্গা সাগরকে গঙ্গা সাগরকে কপিলদেব চলে যায় কেবল মকর সংক্রান্তি দিন দেখবেন জল নিচে নিচে নেমে আসে বর্ষের মধ্যে প্রভু একবার দর্শন দিয়ে জীব দর কে তিনি কল্যাণ করে বলে শ্রী বৃন্দাবন বিহারি লাল কি জয় জয় শ্রী রাম নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল কথা এত আছে না যদি দু টাইম কথা হয় না সকালে চার ঘন্টা বিকালে চার ঘন্টা যেসব ভাবে ভাগবত শেষ হবে এত কথা আছে আর কত কথা বলবো হ্যাঁ তারপরে এখানে কথা আছে শ্রী আমি বলে সকটে বলে বলে চলে যাবো তারপর শেষ গল্প বাঁধব এখানে কৃষ্ণ জন্ম নিয়ে বামন দেব জন্ম আমি সাধারণ লাভ করে হিট দিয়ে যাবো এরপরে ধ্রুব মহারাজের কাছে আসছে ধ্রুব মহারাজ তিনি ছয় মাসে তিনি ভগবত প্রাপ্তি করছেন কেবল ছয় মাসে ওনার পিতার নাম ছিল উত্থান পাল আর ওনার ছিল দুইটি পত্নী একটি হলো সুরুচি আর একটি হলো সুনুচি উত্থান পাত মানে উত্থান মানে উপর পাত মানে হলো পা দেখবেন আমরা যখন মাতৃগর্ভে আসি না পাটা কোথায় থাকে উপর থাকে আর মাথাটা কোথায় থাকে নিচে থাকে মানে এই জীব মনে করুন এক প্রকার উত্থান পাত এদের ওনার যেরকম দুইটি পত্নী ছিল একটি সুরুচি আর একটি হলো সুনীতি আমাদের প্রত্যেক দেহ দুইটি দুইটি পত্নী আছে বলে সুরুচি মানে যার বিষয়েতে খুব রুচি খুব বিষয় ভালোবাসে সংসারকে খুব ভালোবাসে সুনীতি মানে উত্তম নীতি যদ্যপি নীতি অনেক প্রকার আছে বিদুর নীতি আছে চাণক্য নীতি আছে অনেক প্রকার নীতি আছে সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি বলছে বিদুর নীতি বিদুর তিনি হ্যাঁ তিনি ছোট ঘরে জন্ম নিয়েও হ্যাঁ তিনি কখনো তিনি অসত রাস্তায় তিনি যান তিনি দুর্যোধন তিনি সঙ্গ তিনি দেয়নি কার সঙ্গ তিনি দিয়েছেন পাণ্ডবদের তিনি সঙ্গ দিয়েছেন তার জন্য তাকে রাজ্য ছাড়িতে হলো কিন্তু কিছুতেই তিনি ধর্ম ছাড়লে না রাজ্য মন্ত্রী পদকে ত্যাগ দিয়েছেন কিন্তু কখনো তুমি ধর্মকে ত্যাগ দিলে না অর্থ বলছে যদি আমরা সেই সুনীতিকে যদি আমরা জীবনে যদি ধারণ করি সন্তানকে হবে ধ্রুব সন্তানকে হবে
ध्रुव, ध्रुव माने अटल अचल सत्य, माने एक दिन तुम्हें से भगवत भक्ति के तुम्हें प्राप्त करेंगे। और सुरुचि यदि तुम्हें विषय तो रुचि यदि तुम्हारा है तो न कि आवे और फल की बल उत्तम, बल उत्तम की कर लो अधम वाद कर वो उत्तम की कर लो, माने वो तो माने करे हम जा कर से ठीक कर छी हैं जेटा करी हम ठीक करी किंतु पर की होलो उत्तम मारा गेलो और जे मां छिलो ना जखन उत्तम के खुजते गे छे चार दिक आगुन लग गे छे ओई आगुन ने मते सुहाग लग गे छे। एखान शिक्षा दी छे यदि तुम्ही विषय मध्य रुचि राखो जैसे तुम्ही जले पुरे तो छाई हो जाए लेकिन कखन हमारा विषय ते रुचि देबो ना रुचि किसे देबो सुनीति ते रुचि देबो। अतर ध्रुव महाराज भी जब हमारा विवाता कठोर वाणी बोले फिर क्रंदन करते करते जाए कि तो माँ तो बोलो सुनीति बोले छेले तुम्हारा माँ ठीक बोले छे भाग्य नाथा के लिए क्यों छेले राज करते बसते करना वो एक भालो कथा बोले छे बोले भगवान ने भजन करा रहे जने बोले छे बोले छेले भगवान ने कृपा ना हो लेना राज्य गति पावा जाए ना ऐसे यही पिता तुम्हारे की कत स्नेह दिवे कत भलाबासा दिवे यदि एक बार भगवान रे कोले बसते बारना तो खान के त्यार के उस फरात बार बना चिरो कालर जने थार कोले तुम्हें बस जावे कुट्टी गुण तुम्हारे भलाबासा दिवे बोले माँ उन्हें कुठाए पावा जावे बोले छेले ताके पेते गेले ना घोर तपस्या करते हैं बोले माँ हम खेती अरे छेले केवल तुम्हें हमारा की कृपा करो हमी निश्चिंत रूपे भगवत प्राप्ति करो मार आशीर्वाद दिए तिनी भगवत भजन करते जाए किंतु नियम हलो बिनो गुरु भवने दीप तरह न कोई जो भ्रींच शंकर समय मतलब है जब तक कोई सदगुरु का चरण आश्रय ग्रहण नहीं करता है ब्रह्मा शंकर जी के बराबर हो जाए वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु जी की विशेष जरूरत है। कोई भी बोला गुरु जी की क्या जरूरत है डायरेक्ट भजन करना देखिए मैं इसी जगत में जो सिगरेट फूकता है ना उसका भी कोई गुरु है, जो शराब पीता है उसका भी कोई गुरु है, जो चोरी करता है उसका भी एक गुरु है, दुनिया में सबका एक एक गुरु है। अरे परमात्मा के लिए गुरु का जरूरत नहीं। इसलिए महाप्रभु जगतनी गया यात्रा के लिए महाप्रभु तुम्हें की बोलते प्रभु बोले गया यात्रा सफल आज के गया आशा हमारे सार्थक हो गया बोले के ना बोले आज का हमें गुरु दर्शन कर आज का हमें गुरुपाद पद्म आज के प्राप्त कर गुरुदेव तुम्हारे चरण आज का हमें जगह समर्पण कर ला तुम्हें संसार से उधार लो। ऐसे रामचंद्र तुम्हें भगवान हमारे गुरुदेव के वशिष्ठ गुरुदेव, कृष्ण बोले भगवान हमारे गुरुदेव के सांडिल्य बोले हमारे गुरुदेव बोले श्री सांडिल्य ऋषि बोले हमारे गुरुदेव बोले ऐसे भगवान और तीनी निजे जीवन में गुरु ग्रहण कर चाहे एक हर तीनी गुरु की करी पावा जावे। हाँ देखो गुरु भगवान नीचे जब हर तीनी कृष्ण दर्शन के लिए एकदम उत्तम का हो गए कहाँ भगवान मिलेंगे कहाँ मिलेंगे तब भगवत इच्छा से भगवान श्री नारद जी को बुलाया भगवान नारद जी को भेज जाओ उनको तो मंत्र दे कर जाओ। भगवत इच्छा से जब कोई सदगुरु मिलता है वो गुरु सही गुरु है, वो गुरु सही गुरु है। देखो कितना गुरु कर जान के उसके बाद में गुरु कर जान के पर पानी तो छान के देखो गुरु करनी चाहिए जहाँ का नहीं गुरु करनी चाहिए। शास्त्र में गुरु जी का लक्षण भी बताया गुरु जी की लक्षण होनी चाहिए बोले क्या लक्षण होनी चाहिए इसलिए भागवत में बताया तस्मात गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमं साप्ते परेच निष्णातं ब्रह्म निरुपसमासं। गुरु जी का लक्षण बताया है, हैं गुरु जी का तीन लक्षण होनी चाहिए। पहला लक्षण क्या सारे शास्त्र जानकारी होनी चाहिए बोले क्यों बोले अगर सारे शास्त्र को नहीं जानते हैं फिर हमारी संताओं को गुरु नहीं कर सकते इसलिए सारे शास्त्र में पारंगत होनी चाहिए। कभी ये सब कुछ नहीं है एक साधारण पंडित भी सारे शास्त्र जानता है बोले ये उनका बाहर लक्षण तटस्थ लक्षण लेकिन अंदर का लक्षण क्या है बोले परे परे मतलब होता है अनुभूति होनी चाहिए केवल दूसरों को उपदेश के लिए नहीं अपना जीवन में आचरण भी करनी चाहिए। केवल दूसरों को उपदेश देने में पंडित है और अपना जीवन में कुछ आचरण नहीं कर पंडित गुरु नहीं बन सकता है इसलिए अनुभूति संपन्न ये उनकी स्वरूप लक्षण। और तीसरा जो लक्षण है ये माई की संसार से दुनिया से वो अलग होनी चाहिए माई की वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अभी भगवत इच्छा से श्री नारद जी को भेजे नारद जी को बड़े ठोक पीट करके देना
इसलिए नारद जी आकर के बोले प्रहलाद ध्रुव ये क्या कर रहे हो, भगवान को पाना चाहता हूँ। बोले जाओ घर में वापस चले जाओ, तेरा पिता तेरे को ढूंढ रहे हैं। तो वही भजन करने का उम्र है, तेरे पिताजी तेरे को ढूंढ रहे हैं। बोले आपका नाम क्या है? बोले नारद है। बोले लगता है आप कोई डुप्लीकेट नारद हो, क्योंकि मैंने सुना नारद जी सबको भजन की उपदेश देते हैं। आप कह रहे हो घर में वापस चले जाओ, हैं? अगर आप सचमुच से नारद है ना, फिर तो मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया। बोले क्या? बोले भगवान जरूर मुझे मिलेंगे ही। बोले क्यों? शास्त्र बताया सीधी भगवत नेति संशय अच्युत से बिना नी संशय चात्र तद भक्त परिचर्या रतात्मना। अगर कोई भगवान का डायरेक्ट अगर भक्ति करता है, शास्त्र उसको ज्ञान नहीं देता है, लेकिन जो भक्तों का चरण का आश्रय ग्रहण किया, शास्त्र कहता है निश्चित रूप में वो भगवत प्राप्ति करेगा। बोले मेरे को विश्वास हो गया भगवान घर मिलेंगे। बोले क्यों? बोले नारद जैसे साधु का दर्शन हो गया, भजन करने जा रहा हूँ, नारद का दर्शन हो गया, मतलब भगवान मुझे जरूर मिलेंगे, केवल आप हमें मंत्र दो। देखो मैं उसको बाद में करता हूँ क्या, केवल आप मंत्र दो। नारद जी बोले भैया चले तो ऐसे होनी चाहिए, है? चले ऐसे होनी चाहिए, मरे घर नहीं होनी चाहिए, है? चले ऐसे दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। फिर उनको उन्होंने वो नम भगवते वासुदेवाय मंत्र प्रदान किया। बोले मथुरा में चले जाओ, ध्रुव जिला में घर यमुना में स्नान करना, भजन करना। कहते उनको दो वस्तु अनुकूल मिला है, एक तो मथुरा धाम ब्रज धाम और एक यमुना पटरानी। ये यमुना कौन है? बोले राधा कृष्ण का प्रेम है, द्रवीभूत होकर के यमुना नदी में बह रही है। ये साक्षात श्री भगवान की ये प्रिया है, ये विषा न सकी। इसलिए उन्होंने पहले महीना में केवल तीन दिन को बाद में एक बार बेर फल को खाकर भजन किया। दूसरे महीना में पेड़ से जो पत्ते गिर जाते थे छह दिन के बाद में, तीसरे महीना में नौ दिन के बाद में केवल पानी पी करके, चौदह महीना में बारह दिन के बाद में केवल हवा लेकर के, पंचवा महीना में हवा को त्याग दिया और छठवा महीना में हवा को उन्हें रोक लिया। जब रोक लिया अपना प्राण वायु को, सारा दुनिया का वायु बंद हो गया, सारे देवता घबरा गए, छटपटा छटपटा करने लग गए। बोले हे प्रभु त्राही माम रक्षा करो, ध्रुव जी इतने तपस्या कर रहा है, जैसे कि हाथी किसी नाव में प्यार रखने पर जिन्हें ठगमगाए, ये पृथ्वी भी इसकी भजन को साथ नहीं कर पाए। भगवान बोले कोई चिंता नहीं, मैं जा रहा हूँ। भगवान आए और एक झलक दर्शन देकर हृदय से अंतर ध्यान हो गए। इतने में ध्रुव महाराज छटपटा करके जब आंख खुले, सामने श्री ठाकुर जी को दर्शन किया। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। बोले ध्रुव मेरे को तुम स्तुति करो। बोले प्रभु स्कूल में गया ही नहीं, भगवान संतों को उसको कपल में स्पर्श कराया तो हृदय में दिव्य ज्ञान की स्फूर्ति हुई। गए तो ध्रुव झटाफट उन्हें झटा छट भरे श्लोक से स्तुति करने लग गए। भगवान बोले ध्रुव भर मांगो। बोले प्रभु पहले मैं मूर्ख था, इसलिए मैंने राज्य लोभ से आया था, इसलिए स्थानाभिलाषी तपस स्थित स्वाम प्राप्तवान देव मनुद्र बुद्धियम। बोले प्रभु अगर कोई व्यक्ति कांच की टुकड़े ढूंढते ढूंढते अगर दिव्य रत्न किसको मिले, जगत में से कौन सा बेवकूफ होगा जो दिव्य रत्न छोड़ करके कांच की टुकड़े को ग्रहण करेगा। आपका चरण तो ब्रह्मा शंकर के लिए भी दुर्लभ है, हमें भक्तों का संगत हो, भक्ति प्रदान कर साधु संगत हो। बोले ठीक है मिल जाएगा, कोई चिंता मत करो, लेकिन और कुछ मांग लो, और कुछ मांगो। बोले किसी चीज की जरूरत नहीं, भगवान का मैं देता हूँ, जाओ तेरे लिए एक ध्रुव लोक बनाऊंगा, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तेरे को स्मरण करते रहेंगे, जाओ दिव्य 36,000 साल तक ये पृथ्वी को ऊपर में राजत्व करो। जब ध्रुव महाराज वापस आए ना, वो रो रो करके उठने वापस आए, सुखी होकर के नहीं दुखी होकर के। देखो बोले क्यों? भगवान ध्रुव लोक दिया, पूरा राज्य दे दिया, फिर दुखी क्यों हुए? कहते कहाँ भगवत दर्शन हुई, प्रभु मिले, भक्ति नहीं दे करके भगवान हमें फिर माया में फंसा दिया 36,000 साल, है 36,000 साल। हाँ देखो बालक बुझू एक शिक्षा दी जी भजन करते हुए कारण अन्य कोनो देवा देवी भजन करवे ना, मना करती। बोले केना करवे ना?
यदि अध्यात्म देवा देवी के भजन करे यदि ये सांसारिक वस्तु मांगे तीन वो ये सांसारिक वस्तु दिए तो हमारे संसार में मत बैठे दिवे संसार से क्या आप तुम्हें बेरो के बारे में ना किंतु यदि गोविंद के भजन करे नारायण के भजन करे भगवान बोलते आमी विज्ञान सही अज्ञ विषय के नदीब सौ चरणा मृतिया विषय भुलाई तीन जब हम भजन करते गए भक्तिजन क्या राजा हमारे जन किए निजर माँ के राज माता बना भाई जिन्हें तपस्या करते गए थे किंतु देखो भगवत दर्शन की फल जब हमें भगवत दर्शन हलो हृदय के समस्त कामना शेष हो गए थे बोले प्रभु आर ये मायार वस्तु अपनी हमारे बात देवे ना तुम्हारे चरण में भक्ति दाओ साधु संग दाओ भगवान की दिले ताकि वैकुंठ लोक दिले और पृथ्वी राजत्व तक प्रदान कर ले एखान शिक्षा दीछे यदि तुम्हें भगवान भक्ति करो कृष्ण भक्ति करो यदि तुम्हारे हृदय में कामना वासना थाके की करवे ताकि जब हम दर्शन करवे ना तुम्हारे हृदय के समस्त कामना वासना दूर हो जावे तिनी भगवत प्रेम तिनी भगवत प्रेम प्रदान करवे संसार ने इतो वस्तु दिवे तुम्हें जेटा कल्पना करते पारबे ना हमारा तो टाका पैसा स्त्री पुत्र परिवार एटा तो चाहिए ध्रुव महाराज तिनी की करले संपूर्ण पृथ्वी का आदर दिले एक जगत रे वैभव दिने तार संग संग तिनी की दिले वैकुंठ लोक दिले जेखाने गेले जन्म मृत्यु दुख कष्ट हर सेखाने किछु नहीं एजने बोलचन जे भक्ति करता है ना अन्नन देवा देवी दर भक्ति करबे ना करना तारा तुम्हारी एक संसार की वस्तु दिए बैठे दिले एक उदाहरण दीचे अपनार काछे 10 टका आछे আপনি ওই 10 টাকা নিয়ে একটা দোকানের কাছে যান দোকানদারকে বলুন আমাকে এই 10 টাকার 20 দিন দোকানদার কি করবে 10 টাকা নিয়ে 20 দিন কিন্তু তুমি নিজের মাকে কাছে চাও মা আমাদের 20 দাও মা বলবে ছেলে 20 কি করবে বল খাবো মারবে থাপর বল 20 খাওয়ার জিনিস নে রসগোল্লা খা দুধ খা দই খা হ্যাঁ অন্ন খা বিটি খা মা তোমাকে দিবে মা তোমাকে 20 দিবে দিবে না কি দোকানদার কি করবে না টাকা দাও কৃষ্ণ বলছেন অন্যান্য দেবা দেবীর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধই নেই জগতে কোন দেবাদেবী আমাদের কিছু লাগে না কেবল কৃষ্ণই আমাদের পিতা মাতা ভাই বন্ধু তিনি কেবল এখানে ভক্তি বলছেন কোন দেবাদেবীকে করবে না কেবল শুদ্ধ ভাবে কেবল কৃষ্ণ ভক্তি করো তিনি এই সংসারিক বস্তু দিবে দেখুন কৃষ্ণের যত ভক্ত দেখুন ধ্রুব মহারাজ মহারাজ কি না প্রহ্লাদ মহারাজ অম্বরীশ মহারাজ ভরত মহারাজ যুধিষ্ঠির মহারাজ সব মহারাজ কি রাজা নয় পরীক্ষিত মহারাজ তারা সব মহারাজ সব রাজা নয় রাজার রাজা মহারাজ হ্যাঁ এখানে শিক্ষা দিচ্ছে যদি গোবিন্দের ভজন করে না তিনি তোমাকে মহারাজ বানিয়ে দিবে মহারাজ বানিয়ে দিবে হ্যাঁ এই জন্য ভক্তি করো তো ভগবান গোবিন্দের ভজন করবে বলে শ্রী বৃন্দাবন বিহারি লাল কী জয় জয় শ্রী রাম জয় জয় শ্রী রাম Jai Gaurudhanave Hari 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 Bol Ekjane Dhruva Maharaja tini jokhon tar rajotto shesh hoyeche ar tar bhalo kotha shunun ekhon Baikuntha theke rajote esheche ekhon Vishnudute esheche bol rathe boso chalo Baikuntha chalo tini bolchen amar ma kothay gelo bole mayra bhalo ki bujhe bhalo kotha bolchi এখানে বলেছে আমার মা গেল কোথায় বলে তুমি মাকে খুঁজছে কেন বলে আজকে যে আমি গোবিন্দকে দিয়েছি না মায়ের কৃপা মা আমাকে বলেছিল এই বাবার কোলে কতদিন বসে বাবা কতদিন থাকবে তুমি গোবিন্দের কোলে বস মার কৃপায় গোবিন্দকে দিয়েছি মাকে না দিয়ে বৈকুণ্ঠে আমি যাব না তখন বিষ্ণু দূতরা বলেছে দেখো তোমার আগে ওই যে রথটি আছে না ওর পদে তোমার মা তোমার আগে বৈকুণ্ঠে যাচ্ছে তুমি ওর পিছনে পিছনে বৈঠকে যাচ্ছে আগে তুমি যাচ্ছ না মা আগে যাচ্ছে এখানে শিক্ষা দিচ্ছে মায়েরা ভালো করে শুনো যদি ছেলেদেরকে যদি ভজনতে আপনি লাগান তাহলে কি হবে
कि अबे छेले बैकुंठ जावर आगे तू ही बैकुंठ जा তোমাকে নিয়ে তিনি বৈকুণ্ঠে যাবে। এইখানে আমাদের ভগবান বিষ্ণুদেব বলছে, বংশে যদি একটি ছেলে যদি বৈষ্ণব হয় ওর কি লাভ, বলে কুলম পবিত্রম জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা বসতিশ্চন্য। তিনি বলছে তোমার একুশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, জননী মানে মা, যে মা তাকে জন্ম দিবে তার জীবন ধন্য হয়ে যাবে, তিনি ভগবত ধাম যাবে। নৃত্য স্বর্গে পিতরি পিতরে সা, যারা আমাদের পূর্ব যারা তারা চলে গেছে, যখন দেখবে বলছে একটি ছেলে গোবিন্দের ভজন করছে, হাত উঠিয়ে উঠে নাচতে আরম্ভ করে দিয়ে, আমাদের কত সৌভাগ্য আমাদের বংশে একটা বৈষ্ণব ছেলে হয়েছে। আর বসুন্ধরা সতীশ কন্যা ও পৃথিবী নিজেকে ধন্য ধন্য মনে করে। যদি একটি ছেলে যদি বৈষ্ণব হয়, হ্যাঁ, যদি ছেলেটি যদি খারাপ রাস্তায় চলে গেছে, মদ খাচ্ছে, মাংস খাচ্ছে, জুয়া খেলছে, খারাপ কাজ করছে, ওর পাপটা ও পিতা মাতাকে নিতে হবে। এই জন্য পুরাণে একটা কথা এসেছে, এই সময়টা যোগী এখন পৌঁছেতে স্বর্গে, স্বর্গে পৌঁছে দেখে একটি লোক অনেক পুণ্য কর্ম করেছিল, অনেক পুণ্য কর্ম করে তিনি গিয়েছেন কোথায়, তিনি স্বর্গে গিয়েছেন, স্বর্ণ সিংহাসনে বসে আছে, অপসরিয়া তাকে চামের ভোজন করছে, কিন্তু ওখানে বসে বসে তিনি কান্না কাটি করছেন, বেহোশ হইয়া। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি এত পুণ্য কর্ম করে স্বর্গে এসে কেন কান্না কাটি কাটি করছো, বেহোশ হইয়াছে কেন, বলে একটি খারাপ কাজ হয়ে গেছে আমার দ্বারা। বলে কি হয়েছে, বলে অনেকে তো দান পুণ্য করেছে এই জন্য স্বর্গে এসেছি, কিন্তু ছেলে মেয়েদেরকে না আমি ভালো রাস্তা দেখাতে পারবো, আমি যে টাকা পয়সা ছেড়ে এসেছিলাম ওই ছেলেগুলো ওই পয়সা দিয়ে মদ খাচ্ছে, ওই পয়সা দিয়ে মাংস খাচ্ছে, জুয়া খেলছে, বিড়ি ফুঁকছে, এই জন্য পয়সা কে রেখে এসেছিলাম, আমি রেখে গেছিলাম পয়সাটা, ও আমার পয়সা দিয়ে এই খারাপ কাজ করছে, এই জন্য ওর যে কর্মফলটা আমাকে স্বর্গ ও কর্মফল আমাকে ছাড়ছে না। এই জন্য মা সুমিত্রা যখন লক্ষ্মণ তিনি বনবাসে যাচ্ছে, তিনি সুমিত্রার কাছে এসে বলে, মা দাদা বনবাসে যাচ্ছে, আমাকে আদেশ দাও, দাদা আর আমি বৌদির সেবা করতে যাবো। তখন সুমিত্রা এত প্রসন্ন হয়ে গেছে, বলে পুত্রবতী যুবতী জগসই রঘুপতি ভকতি চাষুসুত হই, বলে ছেলে তোমাকে জন্ম দিয়ে আজ নিজের হৃদয়টা গর্ব অনুভূতি করছে। বলে কেন, ওই মার পুত্র জন্ম দেওয়ার সার্থকতা তবে সার্থকতা যদি রঘুপতি ভকতি চাষুসুত হই, যদি তোমার ছেলে ভগবানের ভক্ত হয় তবে তোমার গর্ব ধারণ করা সার্থকতা। তার দ্বিতীয় লাইনতে বলছেন, ছেলেদেরকে যদি ভজন না লাগাতে পারেন তবে আপনি বাঁচ খাবেন। বলছে ছেলে মেয়েদের জন্ম দিতে হবে, কোন দরকার নেই, জন্ম কেন দিবেন, কেন এত কষ্ট করে লালনা পালনা করিবেন, শেষে নরকে যাবে, বলছেন কষ্ট করে লালনা পালনা করে সে নরকে যাবে। এই জন্য সুমিত্রা বলছেন বাঁচ থাকুন, ছেলে মেয়েদের জন্ম দিবে না, তবে ছেলে মেয়েদের জন্ম দিন যদি তাকে গোবিন্দ ভজন লাগেন। ঠিক আছে, কী করবা কী করবা ভাই, প্রথমে তো প্রথম গুরু হলো পিতা মাতা, প্রথম গুরুকে পিতা মাতা হলো প্রথম গুরু, যদি মা নিজে হরিনাম করে বাবা হরিনাম করে ছেলেকে তবে তো বলবে তুমি একটা মালা করো, একটু গীতা ভাগবত করো, আর নিজেই কণ্ঠে কণ্ঠী মালা তিলক ভজন ভজন সে নিজেরই কোনো মতলব নেই, ছেলে কিন্তু দিকে নিজে শিক্ষা দিই, উল্টা ছেলে তোমাকেই শিক্ষা দিয়ে দিল, বুঝতে পারছ। এই জন্য প্রথমে পিতা মাতা, প্রথম গুরু হলো পিতা মাতা, তারপরে অন্য গুরু। ঠিক আছে, বলে শ্রী বৃন্দাবন বিহারি লাল জোর করতে, বলে শ্রী বৃন্দাবন বিহারি লাল। এই জন্য ধ্রুব মহারাজ যখন গেলেন, কালের উপরে কাল উপরে মাথা পায়ে দিয়ে তিনি গেলেন, যখন তিনি যাচ্ছেন নারদ তিনি বিনা বাজিয়ে বাজিয়ে তিনি নৃত্য করতে করতে কীর্তন করছেন, বলে কেন, বলে আজকে আমার জীবনে সার্থক হলো, বলে কেন, বলে আজকে আমি যে শিষ্য এইরকম একটি শিষ্য মাছ বানালাম যে শিষ্য গোবিন্দের ভজন করে আজকে তিনি বৈকুণ্ঠ বিজয় করছেন। অর্থ হল তবে গুরুর শিষ্য করা সার্থকতা, যদি শিষ্য সত্যি সত্যি ভজন করে, তিনি যদি ভগবত লোভে দমন করে, তখন গুরু সব থেকে বেশি প্রসন্ন কিসে হয়, যদি শিষ্য গোবিন্দের ভজন করে নিষ্কপটে, যদি তিনি ভগবত প্রাপ্তি করতে পারে, গুরুর সব থেকে বড় ইচ্ছা হলো এইটাই ইচ্ছা। গুরুদেবের নাম হলো গুরু, না গুরু মানে কি, বলে গুকার তন্য কারকার রুকার তস্য নিরোধক, মানে যিনি হৃদয়ের
अज्ञान के दूर कर से जिन ज्ञान जिन हृदय संसार करे तिनि बोले प्रकृत गुरु ऐसे ने बोले से ध्रुव महाराज की प्रभु का सुंदर ने भजन गाए रे तापरे बामन देवास ने तापरे भगवान कृष्ण जन्म ले ठीक है वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे महारानी श्री राधिका अष्ट सखिल के झुंड हर नगर दुहारत सागर जय 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 वृंदावन पड़े रहो देख बिहारी के रूप पासु बराबर को करे सब भुवन के प्रेम सरोवर प्रेम भरी प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रहे जहां जहां प्यारी पग धरे अरे लाल धरे तो नये कि जहां जहां प्यारी पग धरे लाल धरे तो नये तो आइए वृंदावन कौन कौन जाएंगे वृंदावन कर हाथ उठाओ जाए ना अच्छा बीच में हाथ नहीं उठा रहे नहीं मेरा भाई पास वृंदावन छुप जाए पता नहीं कहाँ ले जाएंगे कहीं नरक मत ले जाएंगे अरे वृंदावन कौन कौन जाएंगे अच्छा वृंदावन में लोग क्या कहते हैं ज्यादातर क्या कहते हैं जोर थे इधर से बिल्कुल आवाज में आ रहा है राधे 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 वहां तो बंदर भी राधे राधे और तूता भी राधे राधे रिक्शा वाला भी राधे राधे और साधु भी राधे राधे सब राधे राधे तो आइए वृंदावन कौन कौन जाएंगे एक बार और हाथ उठा के बताए हाँ सभी लोग जाएंगे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं तो आइए वृंदावन इसीलिए जा रहे हैं कि थोड़ी देर बाद कन्हैया का जन्म है नहीं इसलिए वृंदावन जाना जरूरी है आइए सभी लोग मिलकर गाएंगे और नाचेंगे कूदेंगे ऐसे नहीं वृंदावन जब जाते हैं तो नाचते कूदते भय जाते हैं गोवर्धन में देखा कि नहीं आप लोगों ने है गोवर्धन में कैसे नाचते कूदते भय परिक्रमा करते हैं तो इसलिए आइए सभी लोग नाचते कूदते भय वृंदावन चलेंगे मानसिक रूप से ठीक है ओ मेरे बुढ़े ओ मेरे बुढ़े बिना के Yeah.
स्थान जो है वो भागवा होता है, बिना बाधा के कन्हैया नहीं आते, इसलिए सभी लोग एक बार हाथ उठाए, सभी लोग कोई बाकी ना रहे, सभी लोग हाथ उठाए, और हाथ उठाकर आपको क्या बोलना है, क्या बोलना है, नहीं बोलते और ये बोले आपका ना जिले को बोलते हैं बहुत का धारा बोलते हैं सुना जाता है एक बार जो मना के बोलेंगे चुनरी रंग वाला गुलाबी रंग बोले के ना बोले ना होली खेले ना आज विरज में होली रे रसिया वही गुलाब रंग होलो किरण रंग और डाल गुलाबी रंग दे ऐसे बोल चली जो गुलाबी रंग होलो अनुराग रंग दे ऐसे राधा रानी जो ऊपर है चुनरी भी होलो गुलाब रंग माने तिनी कृष्ण अनुराग के तिनी चल सरिता को देखे रही है ऐसे काली केसरी राधा रानी जन्म निवे केना ये जे भागवत कथा होचे ना बोलन तो केनो ये भागवत कथा निरीह महाराज ये भागवत कथा के केन रखे छे तेनी राधा रानी री जन्म महोत्सव उपलक्ष्य तेनी ए कथा जी राखे ने जने कालिका हमारा श्री राधा रानी जी कर जन्म लीलो ए भागवत राधा रानी ने नाम सिखाए आछे तो की भावे आछे नहीं तो केनो नहीं भागवत राधा रानी नाम ए संबंध काल के हमारा खूब सुंदर सुंदर भालो भालो कल के हमारा कथा बोलो ठीक है जे आर एक मन दिए सुना हमारा ना हमारा सकाले मन दिए सुना सकाले हमारे ऊपर मंदिर कथा है सातला तक आठ का कथा है हमारा जे कथा सुन जे की कथा सुन जे जाने तो
जखन श्री सुखदेव गोस्वामी तिनी परीक्षित महाराज के भागवत कथा श्रवण कराले ओनारे काचे ओनारे माँ बसे बसे कथा शुणु जीव ओनारे माँ नाम हलो उत्तरा जखन भागवत कथा पूर्ण हो गए छे एखन माँ उत्तरा तिनी परीक्षित महाराज के बोलछे बोले छेले ये सुखदेव गोस्वामी तिनी सात सात दिन पर्यंत तिनी की कथा सुनाले ना आम स्त्री जाति आम भी जो बुझे उठे पार्लम ना আমার জন্য একটু শর্টকাটে তো একটু কিছু বলে দেবে যাতে বুঝতে পারি তিনি সাত দিনের মধ্যে কি বলেছেন। এই জন্য পরীক্ষিত মহারাজ একটু সময়ের মধ্যে যে কথাটা বলেছে ওর নাম হলো বৃহৎ ভাগবতামৃত। শ্রী সনাতন গোস্বামী একটি সুন্দর গ্রন্থ লিখেছেন ভাগবতকে বলছেন বৃহৎ এবং তার যে সার হলো ওই গ্রন্থটি। এই জন্য আমরা সকালে সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত আমরা ওই কথা শুনি ঠিক আছে। এইখানে আপনারা যদি চান ভালো করে শোনা যদি আপনারা চান সকালে আসতে পারে সাতটা থেকে আটটা ওই কীর্তনের পরে আমরা ওই কথা শুনি আপনারা কথা শুনতে পারি কেবল এক ঘন্টা ওই কথা নিয়ে ঠিক আছে। আর দেখুন ভাগবতের তো অনেক কথা আছে আমি আর কত শোনাব কত আর শোনাবো ওখানে অনেক কথা আছে আমি এখন কিছুই বলিনি ভাগবতের কথা। হ্যাঁ এই জন্য ওখানে শ্রী অজা মিলির কথা আসছে মন দিয়ে শোনো এদিকে ওদিকে কথা বলবে না মন দিয়ে শোনো ওখানে অজা মিলির কথা আসছে ওই অজা মিলির কথার মধ্যে শিক্ষা হলো তিনি নিজের ছোট ছেলের নামটাকে বলে নারায়ণ রেখে দিয়েছে। এখানে ছোট ছেলে সব থেকে ভালোবাসার ছেলে হয় এই জন্য তিনি যে জীব কর্ম করে কায় মন বাক্যতে কর্ম করে এই জন্য তিনটি জন্তু নিতে এসেছে তখন তিনি সব থেকে ছোট ছেলেকে দূরে খেলতে তিনি দেখতে পেয়ে তিনি জোর করে ডেকেছে বলে নারায়ণ না রা ইয়া না এই চারই অক্ষর হে আমি এক তরফ সে জগদূত তিন আর দূসরে তরফ সে বিষ্ণুদূত চার দোনো মে ঘমাসান লড়াই হুই জগদূত কহতে হাম লে জায়েঙ্গে বিষ্ণুদূত কহতে নেই হাম লে জায়েঙ্গে দোনো মে বড়ে সংঘর্ষ হুই বিষ্ণুদূত কহতে ইসকো কিউ লে যাওগে বলে আপকো পতা নেহি ये ब्राह्मण घर में जन्म लिया लेकिन अपना पत्नी को त्याग दे करके एक शूद्राणी के साथ में शादी की और उसको हाथ में अमेध्य कुमेध्य भोजन की और जितने तरह का गंदा काम उसने किया दस दस बच्चे हुए उनको पालन करने के लिए जितना कुकर्म उसने किया सीधा नरक जाएगा। विष्णु दूत ने कहा भैया को तो पुण्य भी कर दिया बोले क्या पुण्य किया बोले अंतिम समय जो नारायण का नाम लिया बोले बा सारा जीवन पाप करो আর মরার আগে একবার ঠাকুরের নাম হয়ে যাবে সারা জীবনে পাপ করো মরার আগে একটু হরিনাম হয়ে যাবে তখন বিষ্ণু দূতরা বলছে মূর্খরা তোমরা ভগবানের নামের কি মহিমা জানো যখন ও ছেলেটার নাম নারায়ণ রেখেছিল তখন ওর সমস্ত পাপ শেষ হয়ে গেছে ওই ছেলেটাকে যে বারংবার নারায়ণ নারায়ণ ডেকেছে ওই মালাতে যেরকম হরে কৃষ্ণ নাম করি না ও ওই রকম হয়ে গেছে নাম জপ হয়ে গেছে আর যে অন্তিম সময়ে তিনি যে ভগবানের নাম নিয়েছে তাতেই কল্যাণ মিলেছে তাহলে ভগবানের নাম কখন নিল ও তো নিজের ছেলেকে ডেকেছে ও তো নিজের ছেলেকে ডেকেছে ভগবানকে ডাকলো তাই তখন বিষ্ণু দূতরা বলছে ভগবানের নাম চারি ভাবে কল্যাণ করে বলে কিভাবে বলে সাংকেত্যম পারিহাস্যম বা শোভম হেলন নমেবা বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণম অশেষ অগহরম। সেখানে বলছে প্রথম উদাহরণ দিচ্ছেন সাংকেত্যম সাংকেত্যম অর্থ হল ইঙ্গিত করে ইশারা করে যেমন ছেলের নাম রেখে দিয়েছেন কৃষ্ণ গোবিন্দ বারম্বার ডাকছে গোবিন্দ তুমি কোথায় কৃষ্ণ এটাকে সাংকেত্য বলে তাতেও জীবের কল্যাণ হয়। এইখানে দেখবে আগেকালে না চতু মাদের নাম বাবাদের নাম দেখে জিজ্ঞাসা করবে বাবাদের কৃষ্ণ গোবিন্দ রাম লক্ষ্মণ এরকম মায়েদের নাম দেখুন গীতা সাবিত্রী লক্ষ্মী ললিতা বিশাখা এখন দেখুন বাচ্চাদের পিঙ্কি পিঙ্কি টুলু ডুলু যত কুকুরদের নাম বিদেশে না সে কুকুরদের নাম বলছে এগুলো তো পুরনো নাম হয়ে গেছে আমরা তো ছেলেদের কাছে ইংলিশ পড়াচ্ছি এখন ইংলিশ মিডিয়ামে আমরা তো আজ পুরনো হয়ে গেছে কৃষ্ণ রাম গীতা শিখা আমরা তো কুকুরদের নাম হ্যাঁ এই জন্য এই আলতু ফালতু নাম না রেখে না
আপনার বৃন্দাবনে গিয়ে থাকবেন বা মায়াপুরী গিয়ে থাকবেন, দেখবেন সেখানে বিদেশি ছেলে মেয়েদের দেখবেন, যারা আমেরিকা, লন্ডন, ফ্রান্স, ওদের বাচ্চাদের নাম দেখবেন কৃষ্ণ, গোবিন্দ, রাম, মধুসূদন, ললিতা, বিশাখা। বিদেশিরা আমাদের সংস্কৃতি গ্রহণ করছে, আর আমরা ওরা খেয়ে যে এঠোগুলো ফেলে দিয়েছে না, ওরা উঠে উঠিয়ে খেয়ে কি জীবন সাকসেসফুল লাইফ, যদি একটু ইংলিশ বলতে পারি বাবারে কি হয়ে গেছে না জানি। কিন্তু ওরা ওদের সভ্যতা থেকে নফরত হয়ে সব ছেড়ে দিয়েছে, আর আমাদের সংস্কৃতিগুলো গ্রহণ করছে। রাশিয়াতে আমি প্রচার করতে যাই, ওখানকার মেয়েরা ও সরকারের সঙ্গে লড়াই করছে, জানি তো কেন লড়াই করছে, বলে আমরা শাড়ি পরে কেন কলেজ যাব না। রাশিয়াতে মেয়েরা সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, আমরা শাড়ি পরে কেন আমরা যাব না কলেজেতে, আর আমাদের দেশে মেয়েরা আমরা জিন্স পরে কেন যাব না। মায়াপুরে গিয়েছেন না, দেখে রাখবেন, দেখবেন মায়েদের মেয়েদের দেখবেন সবাই মাথার উপরে কাপড় দিয়েছে, সবাই শঙ্খা সিঁদুর পড়ে আছে, গলায় মালা তিলক, আর আমরা যদি গলায় মালা তিলক তুমি সাধু হয়ে গেছো নাকি তুমি, এই বয়সেতে কিছু গলায় মালায় তিলক না, এসব কি চোখ না, এগুলো আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি। যদি শান্তি সুখ থাকে না এর মধ্যে আছে, হ্যাঁ লোকরা তারা সব ছেড়ে ছেড়ে দিয়ে কেন এই ভারতে এসে গলায় মালা করতে তিলক কেন ধারণ করছে, সেটা শান্তি সুখ এর মধ্যে আছে, ঠিক আছে না। এই জন্য আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে হয়, এই জন্য তিনি নিজের ছেলেকে মাত্র নারায়ণ ডেকে তিনি উদ্ধার হয়ে গেছে। এই জন্য ছেলেদেরকে মা মেয়েদেরকে নাম না ওইসব উল্টা পুল্টা না রেখে ঠাকুরের নাম দিবেন, দেখবেন যতবার ছেলেকে মেয়েকে ডাকবেন কমসে কম জিহা থেকে তো গোবিন্দের নাম ধরিল, কমসে কম ঠাকুরের নাম তো ধরিল, কমসে কম বুঝতে পারছেন তো। এই জন্য গোবিন্দের নাম তো সব নাম দিবে, আমাদের গুরুদেব, আমাদের ছিলেন শ্রী ভক্তি, হ্যাঁ শ্রী জনার্দন মহারাজ, তিনি একটা কাহিনি শুনেছিলেন, এবার আমি হিন্দিতে বলব, যদি পারিহাস্যম, পারিহাস্যম কা মতলব হতা হ্যাঁ হাসি দিলকি করতে হুয়ে ভি আগর ঠাকুর কা নাম লো, দেখো কেসে কল্যাণ। এক সময় দো ভাই রহতে থে, এক নাস্তিক এক আস্তিক, হ্যাঁ যো আস্তিক যো মানতা থা সোচতা থা, এক ঘর মে দোনো ভাই রহতে হ্যাঁ, দোনো আগর ভজন করতে আনন্দ মে রহেঙ্গে। এক দিন উসনে আপনা গুরুজি কো ঘর মে বুলায়, বলে গুরুজি থোড়া আমারা ছোটে ভাইয়া কো সমঝা না, ও ভি ভজন করে দোনো এক ঘর মে রহতে হ্যাঁ, বলে ঠিক হ্যাঁ। আমি পতা চলা গুরুজি কো ঘর মে বুলা রহা হ্যাঁ, গুরুজি আনে সে পহলে না উসনে কিয়া কিয়া, ও ঘর মে এক বাথরুম কা অন্দর যা করকে অন্দর সে কুন্ডি লগা দিয়া, বলে মে কথা মে বৈঠুঙ্গা নেই মেরে কো কিয়া সমঝায়, বুঝতে পারছেন তো, কথায় বসব না তো গুরুদেব আমাকে কি বুঝাবে। এই জন্য ও কিয়া কিয়া ঘর কো অন্দর মে ঘুস গে, গুরুজি আয়ে কীর্তন কথা কি, লেকিন জিসকে লিয়ে আয়ে তো অন্দর মে বৈঠা হুয়া, গুরুজি যাতে সময় উনে দরওয়াজা খটখটায়ে, বলে বেটা দরওয়াজা খোল দো, বলে মে দরওয়াজা নেই খোলতা, বলে বেটা একবার তো খোল দে, জব কিসি তরহ সে খোল দিয়া, গুরুজি হাত পকড় লিয়ে, বলে একবার তো তুই কৃষ্ণ বল, একবার তুই কৃষ্ণ বল, উসনে কাহা মে কৃষ্ণ নেই বলতা হুঁ, কৃষ্ণ নেই বলতা হুঁ, বলে ভাইয়া তুমি কৃষ্ণ বলি দিয়া বাস তেরা কল্যাণ হো গিয়া, লেকিন এই কাম করনা ইয়ে কৃষ্ণ নাম কবি বেচনা নেই, ইসি সেই তরহ উদ্ধার হোগা, বলে ঠিক হ্যাঁ। আমি মৃত্যু কে বাদ মে উসকো জমপুরি মে গে, ইসকা বলে চিত্রগুপ্ত বলে পাপি খোলো, বলে মহারাজ এ তো বড়া পাপি, তো কোই পুণ্য নেই গিয়া, বলে থোড়ি বড় তো পুণ্য হোগা, বলে হ্যাঁ গুরু ঘর মে গুরুজি আয়ে থে, গুরুজি ইনকো বলা তুমি কৃষ্ণ বলো, গুরুজি কো মুহ সে শুন করকে উসনে একবার কৃষ্ণ বোলা, আর গুরুজি নে কাহা বেটা আগর নেই বেচোগে না ইসকো ইসসেই তেরে কো উদ্ধার হোগা, উসনে কবি বেচা ভি নেই, কেবল এক কৃষ্ণ নাম লিয়া, উসকো পুছা বতাও পহলে পাপ লোগো না পুণ্য লোগো, উসকো ইয়াদ আয়া গুরুজি নে গুরু তিনি বলেছিলে তুমি যদি এই নামটি বিক্রি না করো মুক্তি হবে, এবার মনে এসে গেছে, বলে আমি যে একবার কৃষ্ণ বলেছি না ওর ফল আমার দিন, এই ভাবে জম মহারাজ বিপদিত পড়ে গেছে, এখন তুমি সমস্ত বেদ পুরাণ উপনিষদ তুমি খুঁজতে আরম্ভ করছে কৃষ্ণ নামের কি মহিমা, তিনি দেখতে পাবেন শাস্ত্রের মধ্যে লেখা আছে নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ চৈতন্য রস বিগ্রহ পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্ত অভিন্নত্বাত নাম নাম্ন, অর্থল ভগবান নাম চিন্তামণি পূর্ণ শুদ্ধ রস স্বরূপ এবং অভিন্নত্বাত নাম নাম্ন, ভগবান তার নামের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, বল্কি হরি সে বড়া হরি কা নাম, এখন চৌ মহারাজের মাথা তো কাজ করছে না, ভগবানের সঙ্গে সমান কি করবো, দেবতা কি ওর মাথায় কিছু কাজ করলো না, বলে ভাইয়া
আমার তো মাথা কোনো কাজ করছে না, আমি এই কৃষ্ণ নামের যে কি ফল বলছে না, এই কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে পাপির সাধ্য নাই তত পাপ করে, এই যে কৃষ্ণ নামের মধ্যে তো শক্তি বলে আমি তো কিছু বলতে চলো ব্রহ্মার কাছে যাই, একে বলো চলো ব্রহ্মার কাছে যাবো বলে এমনি যাবো না কাঁধে করে যেতে হবে, এখন পালকি মাগিয়েছে একে বসিয়ে না এদিকে চিত্রগুপ্ত এদিকে জন্ম যেন ব্রহ্ম লোকে নিয়ে যাচ্ছে, ব্রহ্মা দেখলো ভাই কাকে নিয়ে আসছে, এত বড় পুণ্যাত্মা কে যাকে স্বয়ং যাম চিত্রগুপ্ত পালি করে নিয়ে আসছে, তিনি আরতির থালা সাজিয়ে ঠাজিয়ে তাকে স্বাগত করার জন্য বসিয়াছে, বলে ভাই ইয়ে পুণ্যাত্মা কে বলে পুণ্যাত্মা নিয়ে পাপাত্মা আপনারা কাঁধে নিয়ে এসছে বলে আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে, এনার গুরু থেকে কি কৃষ্ণ নাম শুনেছিল গুরুদেব বলেছেন মুক্তি এতে হবে বলেছে ফল দাও, আমরা সমস্ত শাস্ত্র খুঁজে নিয়েছি সব জায়গায় একই কথা হরি সে বড়া হরি কা নাম ব্রহ্মা আপনি বলুন, তিনিও সমস্ত শাস্ত্রকে খুঁজেছেন, তিনিও কিছু মীমাংসা তিনিও করতে পারেনি, কেননা শাস্ত্র বলেছে মধুর মধুর মঙ্গলম মঙ্গলানাম সকল নিগম বলি সৎ ফল চিত্ত স্বরূপম সকৃদপি পরিহিতম শ্রদ্ধা হেলাবা, তিনি বলছেন যদি একবার শ্রদ্ধা হেলা পূর্বক যদি নাম নিয়েছেন অশেষ অগহরম বিদু নর মাত্র তারায়ত কৃষ্ণনাম, তিনি প্রাণী মাত্রকে তিনি উদ্ধার করেন ওনার মাথা কাজ করে নাই, বলে ভাই শিব ঠাকুর কাছে চলো ওনার পাঁচটি মাথা, বলে চলো বলে হেঁটে হেঁটে যাবো না কাঁধে ধরে নিতে হবে, এখন ব্রহ্মাও কাঁধে লাগিয়েছে, এখন শিব দূর থেকে দেখে পার্বতী বলে বাবা রে এত বড় কে পুণ্যাত্মা যারা কাঁধে করে নিয়ে আসে, এখন তিনি আর তিনি থালা সাজিয়ে রেখেছেন, বলি পুণ্যাত্মা কে বলি ইয়ে পাপাত্মা পুণ্যাত্মা নাই, বলে আপনারা কাঁধে নিয়ে এসেন কেন, বলে ফাঁসে দিয়েছে আমাদেরকে, আপনি একটু বলুন শিব সমস্ত শাস্ত্রকে খুঁজেছে, তিনিও এই দেখেন অহোবত সপোচত বলিয়া যত জুহাগের ভট্টতে নাম পূজ্যম যারা গোবিন্দের নাম গ্রহণ করে, তিনি বলে অহোভাগ্য কত সৌভাগ্য তিনি গোবিন্দের নাম গ্রহণ করছে, জন্ম জন্মান্তরের পাপকে তিনি নষ্ট করেছি শিবের মাথা কাজ করতে পারেনি, বলে ভাইয়া কি করবে বলে যার নাম না তার কাছে যাবে, বলে তুমি হেঁটে হেঁটে চলো বলে না আমি হেঁটে যাবো না কাঁধে করে নিতে হবে, এখানে শিবটা তো কাঁধে লাগিয়েছে, এখানে যখন পৌঁছেছে গোলক বৃন্দাবনে হ্যাঁ ভগবান বলছেন ভাই ইয়ে পুণ্যাত্মা কে যাকে শিব ব্রহ্মা আর চিত্রগুপ্ত তিনি জব মহারাজের কাঁধে নিয়ে এসে, বলে প্রভু ইয়ে পাপাত্মা পুণ্যাত্মা নয়, বলে তোমার কাঁধে নিয়ে এসে কেন, বলে কোন সাধুর মুখ থেকে একবার কৃষ্ণ নাম শুনেছে, তিনি বলছেন যদি বিক্রি না করে এতে মুক্তি হবে, বলে ফল দাও আমরা সমস্ত শাস্ত্রকে খুঁজে নিয়েছি সব জায়গায় একই কথা বলছে হরি সে বড়া হরি কা নাম ভগবান থেকে তার নামের মহিমা বেশি, আপনি কৃপা করে কি ফল বলে 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 নিয়ে আস, ওকে নিয়ে আসের দিকে এখানে গোবিন্দ তাকে কোলে বসিয়ে নিয়েছেন, বলে কি ফল বলে এর ফল হলো যদি শুদ্ধ সাধুর মুখ থেকে একবার যদি কেউ কৃষ্ণ নাম শুনে কৃষ্ণ নাম দিয়ে থাকে তাকে স্বয়ং জম মহারাজ চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মা শিব পর্যন্ত কাঁধে বসিয়ে তাকে আমার ধামে নিয়ে আসতে হবে, দিতাই অতএব আমার কোলে হরতার স্থান, এখানে কি করবে ছেলেদের টিকি পিকি টুলুগুলো নাম রাখবে না, যদি হয়ে থাকে না এখানে নিয়ে আসবেন এখানে আমরা তার নাম পাল্টি দেবো, প্রথমে যে নাম আছে অক্ষর দিয়ে এই জন্য আমরা যখন গুরুদেবের কাছে আসি না এই যত মায়েরা বসে আছে তো আমার সবাই কি গুরুদেব তিনি কী করছেন এই প্রথম অক্ষর দেখে তিনি গোবিন্দের নাম ঠাকুরের নাম তিনি রেখে দিয়েছেন, ঠিক আছে এই জন্য ভাগবত অনেক কথা কত কথা বলবো, এখানে কথা এখানে আমাদের ভগবান বামন দেব আসলেন, বামন দেব আসলেন এখন তৈরি আছে না মহারাজ বামন দেব, এখানে কি হচ্ছে এই দেবতার দৈত্যদের মধ্যে না প্রায় করে লড়াই ঝগড়া হয়, যদি দেবতারা মরে তো ওরা মরি যায় আর দৈত্য মরলে পরে ওদের গুরু হলো শুক্রাচার্য, তিনি কি করে সঞ্জীবনী মন্ত্র দ্বারা তাদের জীবিত প্রদান জীবন প্রদান করে, এখানে দেবতারা গোবিন্দের কাছে গেছে প্রভু আমার অমর কি করি হবে, বলে দেবতার দৈত্য মিলে সমুদ্র মন্থন ধর সমুদ্র মন্থন থেকে অমৃত বেরিয়ে খেলে তোমরা অমর হয়ে যাবে, যেখানে সমুদ্র মন্থন হয় সর্বপ্রথম বেশি বেরিয়েছে বিষ, সবসে পহলে কে নিকলা হলা হল বিষ, আমি এ বিষ কো কোন পান করেগা শঙ্কর জি সে প্রার্থনা কিয়া শঙ্কর জি টন কে টন উনহনে জহর কো উনহনে পান কর লিয়া, লেকিন পান করকে কহাঁ পর রখে বলে গলে মে রখা, কহাঁ পর রখা
गले में, बोले क्यों, तो बोले मुंह में क्यों नहीं रखा, हृदय में क्यों नहीं रखा, देखो मैंने तो भालो शिक्षा दी छे, तिनी मुखे कने राख लेना, तिनी हृदय कने राख लेना, अरे हृदय में तो गोविंदा छे, हृदय में तो गोविंदा छे, और हृदय में ना कोई खराब जिनस ढुका देनी, और मुखे यदि कोई खराब जिनस रखा है और झगड़ा कर ले, एकने खराब जिनस का कुठा रखे हुए बोला है, एकने शिव ठाकुर बोला की हो गया नील हो गया, एकने शिवरे एक नाम हो गया नील कंठ नाम हो गया, बोले श्री नीलकंठ महादेव एखाने शिक्षा दीछे मुखे कोनो खराब जिनिस राखबे ना, मुखे कोनो खराब जिनिस राखबे ना राखले की हबे लड़ाई झगड़ा हबे, देखबे एक महाभारत केने होय छै बोलू एक द्रौपदी जन एक तो तिनी ओई जिह्वा देतनी, देखबे गुरुदेव बोलते प्रत्येक जिनिस रे मध्ये हाड आछे, अंगुल रे मध्ये हड्डी है सीधा कर लेते, हाथ में हड्डी है सीधा हो जाता है, कमर में हड्डी है बैठे, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं, किसमें नहीं, इसलिए जीवाना हर समय लपर 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 सब समय चलते थके वो कुछ तो बात आए ना इसलिए बोलते हैं पांच बेगम, इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं पांच बेगम कंट्रोल करो, हैं पांच बेगम के कंट्रोल करता है नतवा किया और संसार की लड़ाई करो, एक महाभारत का कहना हो लो एक द्रौपदी जन्मी, लेकिन एक भी जीवा के चालीस दिए की बोलते हैं अंधर छले अंध है यही जन झगड़ा हो चाहिए, रामायण कहना हो सीता वही सीता लक्ष्मण को बोले थे जब उन्होंने माल जी के मेरे से तो उन्होंने बोले हाँ भैया लक्ष्मण बचाओ, तो उन्होंने सीता बोले से जाओ बोले राम रे ऊपर विपत्ति आते बार ना अभी जानी बोले ओ तुम्हें कितना ऐसे ऐसे समझो बुझते मेरे से हैं राम यदि मेरे मर जाए हमारे संग बीह कर गए हमारे संग बीह कर गए लक्ष्मण जी कर सज्जे करते बारे तेरे लक्ष्मण रेखा कटी दी चली गए बोले कि पार कर बना सीता दुई भी भूल कर एकटा तो लक्ष्मण रेखा को पार करछे आर तिनी जीवा के चालिए छे एकाने शिक्षा जे खबरदार यदि मायरा एक दुईटी यदि उल्लंघन करे ना तबने रावण से उठी नी जा रावण उठे ए जने तमारो मर्यादा के लंघन करते नहीं आर ये जीवा के घर चला लगी देखिए संसार के ना लड़ाई है ये माय कर दे एक टू के बोले छे ना बोले छे पत्री संग लागे दिए जानो हमारे देवर की बोल छे जेठ की ऐसो कथा बोल छे बास लड़ाई झगड़ा संसार मध्ये भाई भाई गो गो मादर बना एजने शिक्षा दी खबरदार संसार मध्ये लड़ाई करे बना एजने रूप एजने महाप्रभु तिनी बोलचे प्रत्येक दिन एक एक लाख हरि नाम करवा जीवा संसार बोलती जाए ना एजने के कंट्रोल करते बार बना कंट्रोल एक टी काज कर बते बारे जगन ठाकुर रे नाम लिए एजने महाप्रभु बोलचे लक्ष्मपति ये लक्ष्मपति हम तार हाथे हमें खावा खावे एजने की करवा सरादरी माला दिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे सीम ठाकुर बीस के दिन बलाय धारण कर लेने समुद्र मन खाने तो दिव्य दिव्य रत्न बढ़िए चे किचु रत्न के देवता रा किचु दैत्य रा नहीं गए चे एक ना माँ लक्की बैठी चे एक ना लक्की के तो सवाई चा लक्की बोले ये कम हो गया ना लाइन कर दाना हमें निजे इच्छा हम जाए पति का भी वर्णन कर लो तेरी सवार का चेक किए छे सवार में तो कितना कुछ दोष आ छे जब तक नारायण का चेक किए छे ना देख ले सर्व गुण संपन्न केवल प्रभु नारायण सब तीन उनार को लाल तनी माला पड़ी दिए बोले श्री लक्ष्मी नारायण की एकने माँ लक्ष्मी से क्या दिखे भजन केवल गोपी से करता है नारायण भी करता है तथा सवार में तो कितना कुछ दोष आ छे समुद्र मंथन से बेरी छे अमृत जब हम धर्म तेरी अमृत नहीं है उसे उठे चाहिए তখন সবাই মারামারি বলতে আরম্ভ হয়ে গেছে আহম পূর্বম আমি প্রথমে খাবো এখানে দৈত্যরা কি করছে জোর করে না অমৃতকে বের করে দিয়েছে ভগবান চিন্তা করলেন এরা যদি অমৃত খায় অমর হয়ে যাবে দুনিয়াকে ধ্বংস কর দিবে কারণ ভগবান তিনি মোহিনী রূপ ধারণ করছে বলে দেখো আর মোহিনীকে দেখে সব পাগল ও লড়াই ঝগড়া কি করবে সব জলাই ইসলাম বন্ধ হয়ে গেছে সব পাগল হয়ে গেছে কথা করার জন্য और सुबह कथा बोल गए एक जन दत्त्य बोल से आजी आजी तुम कहाँ से आई हो एक नाग धक्का मिल गई बोले तुम कथा बोलते सी बनाए प्रथम जिज्ञास करो और नाम क्यों बा द्वितीय आप तृतीय सुबह धक्का मिले बोले तुम कथा बोलते जान जिज्ञास सब भूल गए थे और मृत हवा तो मैंने तेरी जिज्ञास कर ले कि सब लड़ाई झगड़ा के नौ छे एरा केरा सब तिगत चंदन लागी है बोले एरा हम अपने भाई है बोले लड़ाई कर चले ना बोले अमृत खावा जने
तम दत्तरा तमने दत्तरा बोले से देखो सुंदर ही हमारा अमृत तुम्हारे हाथे खाबे बोले आमी वाला अनजान स्त्री को ऊपर में विश्वास नहीं करनी चाहिए हैं बोले नहीं खाएंगे तो तुम्हारी आत्मा तो अमृत नहीं खाएंगे बोले देखो फिर झगड़ा नहीं करना मैं जो कुछ करूंगी मेरे ऊपर कोई बात नहीं करना बोले कुछ नहीं करेंगे बोले दो लाइन करके बैठो अभी दो लाइन करके बैठे बोले देवता को पतला पतला मैंने खिला देती हूँ बाद में जो गढ़ा गढ़ा रह जाएगी ना हम दोनों एकांत में बैठे करे पान करेंगे बोले सुंदर जी ये अमृत नहीं तो अगर तू मिल गई ना हमें सब कुछ मिल जाएगा अभी ये मोहिनी ये देवता को अमृत पिला रही है लेकिन दैत्य को तरफ में केवल तेरे जी चित्त मन से देख रही थी और मीठी मीठी हंस रही थी दैत्यों का तो अमृत पर कोई नजर ही नहीं उनकी जो मीठी मीठी हंसी और उनको जो तिरछी चित्त मन है बस उसी में ही पागल हो रहे थे और उन्होंने पिलाते 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 सब कुछ पिला दिया इतने में स्वर्भान नाम का दैत्य ये चंद्र सूर्य के बीच में आकर पी लिया उन्होंने इशारा किया बोले प्रभु ये दैत्य देवता नहीं चक्कर को बुलाकर गला काट दिया हैं एक वह राहु एक केतुमान एक की कथा भारत मन के सुन यही प्याज लहसुन हमारा खाई ना कर यही विषय ना विभिन्न पुराण के विभिन्न कथा आ जहाँ तीन तार गला के बैठे दिए যেখানে এই মাছটা পড়েছিল বলে ওখান থেকে এই পিঁয়াজের সৃষ্টি হয় যেখানে ওনার হাট হাতিটা পড়েছিল ওখান থেকে রসুন হয় আর যেখানে খুনের যে বিন্দুটা পড়েছিল ওখানে বসুর ডাল হয় এই জন্য এই তিনটি জিনিস ঠাকুরের সেবায় লাগে না দ্বিতীয় কথা এসেছে কেন পিঁয়াজ রসুন খাওয়া হয় না প্রথমে ঋষিরা নিজেদের আশ্রয় রেখে সেখানে গরুদেরকে তারা পালন করতো যদি কোনো গরু বুড়ো হয়ে যেত তাকে মারতো না সেখানে একটা যজ্ঞ করতো ওই যজ্ঞের মধ্যে তাকে বলিদান দিত আর ঋষিদের মন্ত্রতে এত শক্তি ছিল যখন তোরা মন্ত্র উচ্চারণ করতো ওই বুড়ি গাইটা না সঙ্গে সঙ্গে তুমি জবানি হয়ে যেত যুবতী হয়ে যেত এখানে গাইকে বলিদান করেছে বুড়ি গাইকে সময়ের হাতে মাংস দিয়ে দিয়েছে আহুতি দেওয়ার জন্য প্রত্যেক প্রকার লোক আছে এইখানে এক রাক্ষস প্রকৃতির লোক ছিল ওর এখানে খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে ওই সবাই সামনে কি করে খাই আমি এইটাকে এখন আমি হ্যাঁ ছায়ের মধ্যে পুঁতে দিই যখন সবাই চলে যাবে না তখন লুকিয়ে এসে খাবো এখন যখন মাত্র পড়ছে তখন গরুটি একদম যুবতী হয়ে বেরিয়েছে কিন্তু যেখানকার মাছরা তিনি লুকিয়েছিলেন ওই জায়গাটা খালি আছে বলে খালি হলো কেন তিনি ধ্যান লাগিয়ে দেখে কেউ খাওয়ার জন্য লুকিয়ে রেখেছে তখন তিনি অভিশাপ দিয়ে দিই বলে যেখানে মাছকে পুঁতেছে ওখান থেকে পিঁয়াজ বৃক্ষের সৃষ্টি হবে দেখবেন মাছটা যেরকম লাল লাল রঙের পিঁয়াজও লাল রঙের হয় যেরকম মাছটা সরে গেলে করে কোচা গন্ধ হয় দেখবেন কাঁচা পিঁয়াজ খান মুখ থেকে এইরকম গন্ধ হবে তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না এখানে যদি পিঁয়াজ কাটে না পুরো সবাই জানতে পারবে কোথায় পিঁয়াজ কাটা হচ্ছে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায় ঠাকুরের সেবা কেন লাগে না ওর সৃষ্টি তামসিক বস্তু থেকে হয়েছে যেখান থেকে হাট আছে হাটিকে পুঁতেছিল রসুন হলো সেখান থেকে যেখানে রক্তের ভূত উপর যেখানে বসুর ডাল হয়েছে এই জন্য এই তিনটি বস্তু ভগবানের সাথে লাগে না এখানে কি হচ্ছে তখন তো যখন তিনি সমস্ত অমৃত পান করে দিয়ে মোহিনী সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্তর ধ্যান আর সমস্ত দেবতারা তো অমৃত পিয়ে খেয়ে নিয়েছে এখন ঘমাসান যুদ্ধ আরম্ভ হয় আর দেবতারা যেরকম যে কলার গাছকে কাটে না দৈত্যদের ওইরকম ভাবে কাটতে আরম্ভ করে ব্রহ্মা দেখিলেন সৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যাবে ব্রহ্মা তিনি এসে আবার তিনি থামান আবার শুক্রাচার্য এসে চিলা দেখে মন্ত্র পড়ে জীবিত করে দিয়ে তাদের যে রাজা ছিল বলি তিনি একটা যজ্ঞ করে যার নাম বিশ্বজিৎ মহাযজ্ঞ ওখান থেকে একটা রথ বের হয় যে চার উপর বসে যুদ্ধ করলে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না প্রহ্লাদ মহারাজ এসে নৃসিংহদেবের তিনি সুন্দর ফুলমালা দিয়েছেন তাকে তিনি আবার স্বর্গের মধ্যে তিনি চড়াও করছেন আর দেবতাদেরকে মেরে 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 সেখানে তাড়ি দিয়েছে মানে আর সিংহাসনেতে বসে গেছে এখানে দেবতাদের যে মা অদিতি তিনি কশ্যপ ঋষির কাছে গিয়েছে বলে আমার আমার ছেলেরা কি করে স্বর্গ রাজ্যকে প্রাপ্ত করবে বলে তুমি এটা পয় ব্রত তোমার দুধ খেয়ে থাকো ঠাকুরকে পায়েস ভোগ লাগাবে তখন ভগবান বামন রূপে অবতীর্ণ হয়ে তিনি স্বর্গ রাজ্য প্রদান করবেন এখানে মাতা তিনি হ্যাঁ অদিতি তিনি পয়ব্রত তিনি করে ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে তিনি বামন রূপে তিনি অবতীর্ণ হয়েছে শ্রী ভগবান বামন দেব
श्री बाबा ने भगवान की जय। महाराज बोला बापन देव की नियास में, महाराज बोला बापन देव की नियास में, कुठाई बापन देव तो बोला क्या माला दिन बोला क्या माला पड़ी था देखो এখানে ভগবান বামন দে এখানে ভগবান বামন দে আপনাদের কাছে না ভিক্ষা দিতে যাবেন আপনাদের কাছে ভগবান ভিক্ষা দিবে আর ভগবান কে ভিক্ষা দ্বারা অনেক পুণ্য আছে অনেক পুণ্য সুদামা ভগবান কে দো মুঠি কবল চিড়া দিয়েছিলেন ভগবান তাকে তিনহু অনেক রাজ্য দিয়ে দিয়েছেন ভগবান তো সারা জীবন তিনি আমাদের দিচ্ছে আজকে ভগবান তিনি আপনাদের কাছে ভিক্ষা দিতে যাবে বুঝতে পারছেন তো এইজন্য ভগবান আপনারা কিছু কিছু ভগবানকে ভিক্ষা দিবেন এই জন্য যখন ভগবান বামন দেব এলেন তখন আমাদের বৃহস্পতি তিনি তার উপনয়নে সংস্কার করলেন উপনয়নে সংস্কার করে নিয়ম হলো গুরুদেবকে দক্ষিণা দিতে হয় বলে গুরুদেব তোমাকে কি দক্ষিণা দেবো বলে তুমি স্বর্গ রাজ্যকে নিয়ে আসো বলি মহারাজের কাছ থেকে তিনি বলি মহারাজের কাছে যখন পৌঁছান বলি মহারাজ পুজো করে বলে আমার জীবনে ধন্য হয়ে গেল এত সুন্দর কখনো আমি এত সুন্দর দেবতাকে আমি দর্শনই আপনাদের কাছে যাবে এত সুন্দর দেবত ব্রাহ্মণকে আমি দর্শন পাইনি আজকে আপনি আমার কাছে চা চাইবেন আমি আপনাকে তাই দেব প্রথমে তুমি সংকল্প করো যখন সংকল্প করতে যাচ্ছে তখন শুক্রাচার্য সেখানে এসে গেছে আপনারা আমাকে দেখা সব বলে গেলেন এখানে সবাই ব্রাহ্মণ দেবকে দেখছেন হরি বল হরি বল হ্যাঁ ইসলিয়ে अभी अभी हाँ अभी गुरुदेव को अभी बामन देव बोले पहले संकल्प करो बगैर संकल्प से मैं कुछ नहीं लेता हूँ जब संकल्प करने के लिए गई इतने में शुक्राचार्य बोले सावधान बलि जानते हो ये कौन है बोले कौन है बोले पहले जो मोहिनी बन करके आया था ना और तुमको अमृत से वंचित कर दिया वही मोहिनी अभी ये मोहन बन करके आया खबरदार तीन पग जमीन मांगेगा वो तीन पग नहीं त्रिभुवन को ले जाएगा इसलिए खबरदार इनको दान नहीं देना बलि महाराज को इतने प्रसन्न हो गए बोले भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है एक तो भगवान फिर मेरे पास में भिक्षा लेने के लिए आए हैं वो इच्छा करने पर अपने आप सब कुछ ले सकते थे लेकिन ठाकुर जी मेरे दरबार में आए मैं जरूर दूंगा बोले गुरु जी का बात नहीं माना तो बोले नहीं बोले अभिशाप देता हूँ सिर्फ भ्रष्ट हो जाओ बोले जो कुछ हो जाए ठाकुर को मैं जरूर दूंगा फिर जब संकल्प करने के लिए गए फिर कीड़े बन करके जो गंगा सागर होता है ना जो नार वर्ग में फिर बैठ गए फिर कुछ से छेद किया तो एक आग चला गया यहाँ शिक्षा देते हैं अगर भगवत सेवा में कभी मना नहीं करनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति ठाकुर को सेवा कर रहे ना उसमें बीच में मना नहीं करनी चाहिए नहीं तो एक आग ही चली जाएगी अंधा हो जाएंगे फिर तस्वीर बली वहाँ भगवान बामन देव जब संकल्प की एक पद में उन्होंने भूर भूव मोह जन तप सत्य लोक तक नाम लिया जब ये चरण ब्रह्म लोक में पहुंचा फिर ब्रह्मांड कटाव को भेद किया तो वहीं से श्री पति के बाप श्री ये गंगा देवी वहीं से प्रकट हुई बस श्री गंगा देवी जोर से बोलो बस श्री गंगा महारानी की वहीं से श्री ये गंगा देवी वहीं से प्रकट हुई और दूसरे पद में अतल भीतर तला तल पाताल बोले बताओ तीसरे पद कहाँ रखी गरुड़ को बुला करके बंधन में बांध दिए लेकिन उनकी पत्नी बड़ी बुद्धिमान थी बोले भगवान अपना राज्य अपना ले लिया लेकिन जब तक खुद को खुद नहीं देते हो थोड़ी देना होता है बोलो ना अपना सर पर रखे बोले पत्नी ऐसे होनी चाहिए पत्नी ऐसे होनी चाहिए हाँ पत्नी माने की प माने पत्तन दी माने पति को जब कभी गिरने नहीं दे हर समय पति को ऊंचा बना कर रखे पति के धर्म में हर समय पति को मदद करते रहे धर्म में उसको मदद कर बोले सचमुच से तो सही पत्नी हो बोले प्रभु दान बढ़ाना दानी बड़ा बोले दानी बड़ा बोले अब तो दानी लिया दानी स्वयं बाकी है बोले बताओ चरण कहाँ बोले कहाँ रखे बोले सर पर रखो ठाकुर जी सर पर चरण रखे सारे देवता देख देख कर हैरान हो रहे थे जो चरणों को पाने के लिए देवता कितने तपस्या करते हैं ऋषि मुनि आज वो दुर्लभ चरण उन्होंने इनके सर पर रखे बोले श्री बलि महाराज की जय।
अभी भगवान संतुष्ट हो गए, उनको सुतल लोक में उनको स्थान दिए। बोले बर मांगो, बोले प्रभु एक ही बर दो, मैं जब जब अपना घर से निकलूं आपको दर्शन करके जाऊं, जब घर में आऊं आपका दर्शन करूं। बोले तथास्तु, मतलब भगवान इसकी दरबार बन गए, ठाकुर जी इसकी दरबार बन गए। अभी एक दिन नारद जी वैकुंठ में पहुंचे, देखा माँ लक्ष्मी अकेली। बोले भैया नारायण का, बोले पता नहीं कहाँ गए, अभी तक नहीं आए। बोले विदेश में नौकरी ढूंढ लिया। बोले विदेश में? बोले कौन सा नौकरी? बोले दरुआ में की। बोले दरुआ में की? बोले कहाँ पर? बोले बलि महाराज के दरबार में। इतने में माँ लक्ष्मी आ गई, देखा भगवान जगते रहो जगते रहो। लक्ष्मी बोली यही बात यही चीज का सर रह गई क्या? बोले बोलो बात, अभी मैं ड्यूटी दे रहा हूँ, ज्यादा बोलो बात, अभी मैं ड्यूटी दे रहा हूँ। इतने में बलि महाराज रोज दान देते थे, अभी उसी लाइन में माँ लक्ष्मी भी खड़ी हुई। लक्ष्मी की जब नंबर आई, बोले भर मांगो, बोले पहले संकल्प करो। बोले संकल्प की क्या जरूरत है, पहले एक संकल्प कराने वाला आया था, अभी ये दूसरी कोई संकल्प करने वाली, ये हो एक और। बोले ऐसे मांगो, बोले ऐसे नहीं संकल्प कर, जो संकल्प होती है। बोले मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन एक दरबार की कमी, मैंने देखा आपका दरबार में एक सुंदर दरबार, ये दरबार को मेरे को दे दो। वो तो समझ गए साधारण नहीं कोई। बोले पहले बताओ आप है कौन? तब माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट होती हैं। बलि महाराज ने कहा देखो इन्हीं को तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ, प्रभु आप एक स्वरूप में रहो और दूसरे स्वरूप में जाओ। देखो भगवान भक्तों का कितना अधिक दान किसको दे रहे हैं, भगवान को दान दे रहे हैं, हैं? किसको भगवान दान किसको दे रहे, लक्ष्मी को दान दे रहे हैं। बोले क्या सारा दुनिया लक्ष्मी के लिए, सारा दुनिया लक्ष्मी से मांगती है, लेकिन आज लक्ष्मी को दान दे रहे हैं। बोले दे रहे हैं क्या? बोले छोटे मोटे चीज नहीं, साक्षात भगवान को उन्होंने दान रूप में मां लक्ष्मी को दे रहे हैं। श्री बावन भगवान की, अभी भगवान बावन देव आपके पास भी आएगी, अपना देखा जाए समय किसी किसी भगवान की भिक्षा दिए, मना के भिक्षा द्वारा समय लिया ये एक तेरे पर कृष्ण जन्म लिए, आपने कृष्ण जन्म कथा सुने समय जाओ, इस समय नहीं जाओ प्रभु, समय नहीं जाओ। बोलो बावन भगवान की जय, जय श्री राम। हरे कृष्ण महाराज बोलते बामन देवर के चरण के छुए ना, मतलब चरण स्पर्श को नहीं जाना, भिक्षा को नहीं जाना, नहीं जाना ना ले जाओ। हरे कृष्ण संगीत समय नहीं जाओ, जब स्वर्ग दर्श करबेन ना दूर थे आशीर्वाद नहीं। हरे कृष्ण ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भजते भगत तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भजते है सारा
Oh,
একটি চন্দ্রবংশ, একটি হলো সূর্যবংশ। চন্দ্রবংশে কৃষ্ণ এসেছেন, আর সূর্যবংশে ভগবান রাম এসেছেন। ভগবানের নাভি কমল থেকে ব্রহ্মা, ওনার থেকে কশ্যপ ঋষি। এই কশ্যপ ঋষির পরম্পরা থেকে রাজা ছিলেন, ওনার নাম হলো শ্রাদ্ধ দেব মনি। এখন ওনার বাড়িতে কোনো সন্তান নেই, তিনি দুঃখী, ভবিষ্যতে রাজ সিংহাসনকে কে সামলাবে। এখানে তিনি ওনার যে পুরোহিত বশিষ্ঠ ছিলেন, বলে আপনি একটু যজ্ঞ করুন। হ্যাঁ, যজ্ঞ থেকে পায়েস উঠলে পরে পত্নীকে খাওয়ায় যাতে একটি সন্তান হয়। যখন ব্রাহ্মণরা যজ্ঞ করছিল, রানীর ইচ্ছা ঘরে যদি একটি মেয়ে জন্ম হয় কি হবে, মায়েকে সাহায্য করবে। কিন্তু বাবার ইচ্ছা হলো, রাজার ইচ্ছা হলো ছেলে। বলে কেন, ছেলে হলে ভবিষ্যতে রাজ সিংহাসনকে এই রাজ্য সিংহাসনে এই রক্ষা করবে। এখানে কি হয়েছে, রাজা বললেন এইরকম যজ্ঞ করুন যাতে ছেলে হয়। এখানে রানী গিয়ে কি করেছে, ব্রাহ্মণদের কানে বলেছে, দেখো যদি বাড়িতে মেয়ে হয় না, তুমি যা কিছু দক্ষিণা চাইবে সব দক্ষিণা আমি দেবো, আর যদি ছেলে হয় না আমি কিছু দক্ষিণা ফক্ষিণা কিছুই দেবো না। এখানে ব্রাহ্মণরা চিন্তা করলে যাতে ভালো দক্ষিণাটা পাওয়া যায়। দেখুন আগে সাইন্স কত আর ভাঞ্জ ছিল, এখানে যদি কোন মা যদি ভাঞ্জ হয় সায়েন্স কিছুতেই বাচ্চা দিতে পারবে, করতে পারবে। কিন্তু আগে তার মন্ত্রতে কত শক্তি ছিল, মন্ত্রের মধ্যে কি শক্তি ছিল মন্ত্রের মধ্যে। এখন তিনি যদি এইরকম মন্ত্র উচ্চারণ করত, যদি পায়েসে বানানো হয় পায়েসে খেলে ছেলে হবে, আর এইরকম মন্ত্রতে পায়েসে বানাতো যেটা খেলে মেয়ে হবে। এখন ওরা কি করেছে, ওই মেয়ে হওয়ার মন্ত্র পড়ে দিয়েছে, পরে পায়েসে বানিয়েছে, যখন স্ত্রীকে খাওয়াচ্ছে না, একটি অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে জন্ম নিয়েছে, যার নাম হচ্ছে এলা। এখন রাজা বলল বশিষ্ঠকে, আমি বলছিলাম বাড়িতে যদি একটা ছেলে হয় ও মেয়েটা কি করি হলো। এখন রাজা তখন বশিষ্ঠ বললেন, দেখো বাড়িতে যদি মেয়ে আসে না, সারা দুনিয়া বলে বা ঘরে লক্ষ্মী এসেছে, ঘরে কে এসছে, কিন্তু ছেলে এলে কেউ বলে না নারায়ণ এসেছে, মেয়ে এলে কি বলে, সবাই বলে লক্ষ্মী। এই জন্য যে কন্যাদানের সর্বশ্রেষ্ঠ দান কন্যাদানকে বলা হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়ে যদি বাড়িতে মেয়ে হয় না, সবাই দুঃখী হয়ে যায়, আর যদি ছেলে হয় তখন খুশি হয়ে যায়, ছেলে হলে খুশি হয়ে যায়। কিন্তু আমি বিভিন্ন জায়গায় আমি দেখেছি, যখন বাড়িতে যখন ছেলে বেরে বিয়ে হয় না, বাড়িতে যখন বৌমা আসে তখন ঘরে লড়াই ঝগড়া আরম্ভ হয়ে যায়। তখন যে শাশ শ্বশুরদেরকে আদর দিয়ে না, আমি অনেক ঘরে দেখেছি, ওরা শেষে গিয়ে মেয়ের কাছে আশ্রয় নেই। মেয়ে ভালোই যেখানে বিয়ে হয় না কেন, ওখান থেকে খবর নেই আমার বাবা কীরকম আছে, আমার মা কীরকম আছে। হ্যাঁ, কখনো এই জন্য যাব ঘর সে পিতাজি বাহারে যাতে হি, যাব ঘর যে পিতাজি বাহারে যাতে হ্যাঁ না, লড়কা ক্যা কহতা হ্যাঁ, পিতাজি মেরে লিয়ে ক্যা লাওগে। লেকিন লড়কিয়া লড়কি ক্যা কহতে হ্যাঁ, পিতাজি কব আওগে, কব আওগে, কব আওগে আর কব লাওগে। ইসলিয়ে যো লড়কি হ্যায় না, হর সময় কই কই কহতা হ্যায়, মাতায় অগর নেই হো, লড়কি অগর নেই হো, জগত মে যে ভাই বন্ধু পুত্র পরিবার চাচা চাচি কহাঁ সে আতে, কোন জন্ম দেতা হ্যায়, মাতায় তো জন্ম দেতি হ্যায় না। অগর মাতায় নেই হো দুনিয়া রহেগা, সৃষ্টি সব খতম হো জায়েগি। ইসলিয়ে কহতে না, বেটি বচাও বেটি পড়াও বেটি বচাও। হ্যাঁ, আমি বঙ্গাল কা আমি মুখ্যমন্ত্রী কোন হ্যায়, লড়কি হ্যায় না। ভারত কা পহলে মন্ত্রী কোন থি, ইন্দিরা গান্ধী থি না। হ্যাঁ, ইসলিয়ে অভি হর জায়গা মে লড়কি, হর জায়গা মে লিখাই পড়াই মে লড়কো সে ভি জ্যাদা তেজ অভি লড়কিয়াঁ হ্যায়। হ্যাঁ, ইসলিয়ে দুঃখী নেই হোনা, লড়কি আয়ে তো ইহি লড়কি হি তুমারি ইজ্জত কো, লড়কি হি ভবিষ্যৎ মে লাস্ট মে পিতা মাতা কো দেখতি হ্যায়, ইসলিয়ে দুঃখী নেই হোনি চাহিয়ে। ইসলিয়ে বশিষ্ঠ জি নে কাহা, দেখো ঘর মে লড়কি আয়ে না, দুনিয়া কহতে ঘর মে লক্ষ্মী আয়ে হ্যায়, আর ঘর মে সচমুচ জিতনা লড়কি আয়ে না, উতনা লক্ষ্মী ঘর মে আতি, উতনা পয়সা ঘর মে আতি হ্যায়।
इसलिए बोले खुशी होनी चाहिए। बोले नहीं हमें तो लड़का चाहिए, क्योंकि राज सिंहासन को तो लड़का ही संभालेगा ना। देखो पहले ऋषि मुनियों का मंत्र में क्या शक्ति थी, इतने में वशिष्ठ जी ऐसे मंत्र पढ़े जो लड़की थी उन्हें लड़का बना लिया। वो एला था लड़की का नाम, जब लड़का बना उसका नाम सुदुम्ना नाम हो गया, लड़का बना दिया। लड़का जब बड़ा हुआ एक दिन वो अपना सैन्य सामंत को साथ में भ्रमण करने के लिए जंगल में गया था। एक जंगल में प्रवेश करते जितना घोड़ा सम घोड़ी और जितना सैनिक सैनिक लड़की और ये राजकुमार था ना वो बन गए राजकुमार। बोले भैया ये क्या हो गया, थोड़ा सा देखता है वगैरह बोला सब मैं चले किधर हो गया, हमारा मैं चले किधर हो गया। कारण की बोले कारण हलो कोई जंगल के शिव ठाकुर थकते एक दिन की हो शिव पार्वती तार निजे निजे मैंने मिल चलो मिलार समय তখন চতুর্শন এখানে শিবকে দর্শন করতে গিয়েছে, দর্শন করতে যখন গিয়েছে শিব পার্বতী তার মিলছে। ইতি সময়ে পার্বতী খুব লজ্জিত হয়ে গেছে, তখন শিব ঠাকুর বলছেন কি সংসার, যার ইচ্ছা মুখ উঠিয়ে এখানে চলে আসে, এটা কোনো সংসার নাকি, হ্যাঁ এটা কোনো ঘর গৃহস্থী। তখন শিব ঠাকুর তিনি অভিশাপ দিয়েছেন আজই থেকে যদি এই জঙ্গলেতে কোনো পুরুষ ঢুকে আর পুরুষ থাকবে না সব মেয়ে হয়ে যাবে, এরা কেউ জানতো না আর ঢুকেছে সব হয়ে গেছে মেয়ে। আর বাড়িতে ঘুরতে পার না লজ্জা নেই, এখানে রাজা যখন খবর পেয়েছে আবার দুঃখী হয়ে গেছে, মেয়েটা আমার ছেলে ছেলে হয়েছিল ছেলে থেকে আবার মেয়ে হয়ে গেল। তখন এখানে শিব ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছে, শিব ঠাকুর বলে দেখো আমি একটা কাজ করতে পারি, তোমার যে ছেলেটা না এক মাসে ছেলে থাকবে আর এক মাস মেয়ে থাকবে, আমি এইটা করে দিতে পারি। বলে কমসে কম এটা তো করে দিই। যখন এখন যখন ও মেয়ে ছিল তখন ওর বিয়ে হয়েছে বুদ্ধের সঙ্গে, যখন বুদ্ধের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ওখান থেকে যে সন্তানটি হয়েছে ওর পরম্পরাতে এসেছে চন্দ্রবংশ। এই জন্য চন্দ্রবংশ কে জন্ম নিয়েছে কৃষ্ণ স্বয়ং। যখন তিনি ছেলে ছিল বিয়ে হয়েছে রাজকুমারের সঙ্গে, তখন ওদের সংস্পর্শে যে সন্তান হয়েছে ওর পরম্পরাতে এসেছে সূর্যবংশ, আর এই সূর্যবংশ কে এসেছেন ভগবান রাম। মানে ভগবানের এইরকম অদ্ভুত একটি মায়া একটি ব্যক্তি থেকে চন্দ্রবংশ সূর্যবংশ আসে, আর ওই দুই বংশে আমাদের যে হিন্দুদের ঠাকুর আমাদের যে সনাতনের ঠাকুর যে কৃষ্ণ রাম তিনি এই একটি ব্যক্তির কাছ থেকে এই দুইজন ভগবান জন্ম নিয়েছেন। বলে শ্রী কৃষ্ণ বলরাম কি, শ্রিয়া বলরাম চন্দ্র কি, শ্রী কৃষ্ণ কন্হাইয়া লাল কি। यहाँ पर हिंदी अगर बोलो और बांग्ला बोलो ना, लेकिन हिंदी ही बोलो पूरा कृष्ण कथा हिंदी तो बोलो ठीक है, हिंदी तो बुझते बात से। अब भी क्या हुआ देखो, जब श्री दशम स्कंध अभी प्रारंभ होने वाला, सुखदेव गोस्वामी जैसे टीवी में हम लीला देखते हैं ना, ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी का हृदय में जैसे टीवी में सीरियल आती है इनके हृदय में सब कृष्ण लीला धीरे धीरे आने लग गया। इन्होंने एक श्लोक में संपूर्ण कृष्ण लीला को वर्णन कर लिया, कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रकट हुए, कैसे गोकुल में गए, कैसे पुतना अघासुर बकासुर को मारे, कैसे रास रचाया, कैसे गिरिराज उठाया, मथुरा में कंस को उद्धार किया, द्वारका में जाकर के 16 घर 108 पटरानियों से शादी की, एक एक पत्नी से 10-10 बेटे एक एक बेटी हुई, ऋषियों का अभिशाप को ग्रहण करते हुए प्रभास क्षेत्र में कृष्ण गए और अपना अंतिम लीला को समाप्त करके अपना गोलोक वृंदावन में चले गए। बोल करके ना मैंने बोले कृष्ण का नहीं लाल की, कथा को बंद कर दिया। परीक्षित महाराज तो बोले कथा हो गया, बोले बोल दिया ना कृष्ण कथा। बोले भैया मेरे 4-4 दिन से केवल एक ही कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि कृष्ण हमारे कुल देवता है। मातृ गर्भ में भी जब था, जब अस्वस्थ माने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, कृष्ण ही हमें रक्षा किया। केवल मैं कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठा हूँ, आप तो अगस्त मुनि जैसे एक चूल भर में संपूर्ण समुद्र पानी को पी लिया, आप तो पूरा के पूरा एक श्लोक में कृष्ण कथा बोल दी, मेरे को आनंद नहीं आया। मैं चाहता हूँ कृष्ण कथा को विस्तृत करके हमें सुनाओ, विस्तृत करके सुनाओ। प्रश्न है कृष्ण अगर एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी पूरी कृष्ण कथा क्यों सुनाए, कारण क्या। बोले कारण है सुखदेव गोस्वामी कौन है, बोले श्री सुख
श्री राधा जी की ये प्रिय सूत है, वो भी यही चाह रहे थे कब कृष्ण कथा आए और जी भर के कृष्ण कथा सुना, उनकी भी यही इच्छा। जैसे एक व्यक्ति बड़े धूप में से आए, छाती फट रहा है प्यास में मारे, अगर एक ग्लास अगर इसको जूस दो ना, शरबत दो, क्या करेगा, एक साथ में ढक ढक करके पी लेगा। उसी तरह वो भी कृष्ण कथा सुनाने के लिए वो बड़ा तड़फड़ा रहे थे। जब कृष्ण कथा के समय आया ना, उन्होंने एक श्लोक में पूरे उन्होंने कृष्ण कथा को सुना दिया। बोले नहीं, हमें तो कृष्ण कथा को पूरा हमें एकदम व्याख्या करते हुए कृष्ण कथा को सुना। फिर श्री सुखदेव गोस्वामी है तो तीन तीन तक केवल कृष्ण कृष्ण ही कथा उन्होंने सुनाई। बोले कृष्ण कथा बड़ा मधुर है, कृष्ण कथा बड़ा प्यारा है। इसलिए श्री बल्लभाचार्य कहते हैं, बोले आधरंग माधुर वदनंग माधुर हासितंग माधुर गमनंग माधुर चारितंग माधुर गमनंग माधुर माधुर दीपते रसलंग माधुर माधुर दीपते कहते हैं भगवान का सभी मीठा है। इसलिए रसगुल्ला जाने तो रसगुल्ला खाए कि नहीं, रसगुल्ला कब होता है, जब गुल्ले गोले को रस में डुबा दो क्या बन जाएगा, रसगुल्ला। इसलिए भगवान को बताया भगवान क्या है, रस भैस रसम जबाया लब्धानंद भवती, भगवान स्वयं रस स्वरूप है। कहते भैया जैसे रसगुल्ला जैसे ऐसे, बोले नहीं, गोले को रस में डुबा कर तो रसगुल्ला बनेगा, कृष्ण स्वयं ही रस स्वरूप है, जिधर खाओ ना उधर मिठाई मिठाई। इसलिए उनका बदन मधुर, हसित मधुर, चलना मधुर, हृदय मधुर, बोलना वो पूरा ही पूरा मिठाई मिठाई कृष्ण। इसलिए बोले जो कृष्ण कथा है जैसे तीन गंगा है, एक आकाश में नंदा की वो स्वर्ग लोक का कल्याण करती है, और यहाँ पर जो गंगा बहती है इसका नाम क्या है, बोलो ये गंगा का नाम क्या है, भागीरथी। इसलिए ये मरते जगत में कल्याण करती है। दूसरी गंगा पाताल में, उसका नाम क्या है, भोगवती, वो पाताल लोगों को कल्याण करती है। जैसे तीन गंगा तीन लोगों को कल्याण करती है, ये कृष्ण कथा भी तीन लोगों को कल्याण करती है। बोले किसको किसको, बोले बोलने वाले, सुनने वाले और प्रश्न करने वाले, ये तीनों को कृष्ण कथा कल्याण करती है। और कृष्ण कथा कैसे है, कृष्ण कथा इतने मधुर है, सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी, चतुसन जैसे ब्रह्म ज्ञानी, शंकर पहले ब्रह्म ज्ञानी थे। इसलिए बोले आत्मा रामस्त मन हो निर्गंध अभी भक्ति की धमारी, भगवान कथार मध्य एक तो मिष्टि आचे, भगवान कथार मध्य एक तो मधुरता आचे। शिव ठाकुर चतुसर सुखदेव गोस्वामी मतलब ब्रह्म ज्ञानी, जखन से कृष्ण कथा सुने तराव से ब्रह्म ज्ञान के तुच्छ कर तरा ये भक्ति रस के तरह डूबी दिए छे। एजने भव औसव छत्र कृष्ण कथा के की बोला हो छे, यदि भव सागर थे ताके पार कर थे की कर गए, बोले भगवान के कथा रूपी औसव के पार करो। बोले औसव, बोले हाँ, प्राय करके देखिए जो औसव ना जेकम एलोपैथी का औसव है, खूब खूब मतलब तेतो संगे संगे जल दिए संगे संगे खिए बनी। बोले भगवान ने कथा की तेतो, बोले तेतो नहीं, बोले स्रोत तो मन भी रामा हृदय और कान के जे आनंद प्रदान करे कृष्ण की कथा, तो हम तभी कृष्ण कथा तेरी सुना ले। चल जिस समय श्री कंस है, कहते श्री उग्रसेन महाराज का बेटा श्री कंस, कंस ने इतने उसने उत्पात मचाया, इतने जगत में हाँ इतने उत्पात मचाया, पर टहलका मचा दिए, और उसने अपना पिता उग्रसेन को उन्होंने जेल में बंद करके रख दिया है, बंद कर दिया। बोले मेरे देश में कोई कीर्तन नहीं कर सकते हैं, मेरे देश में कोई यज्ञ नहीं कर सकते हैं, मेरे देश में कोई भगवान की भक्ति नहीं करते हैं कर सकते, ये इतने संतों का जन्म बंद कर दे सकते सब।
अभी संत लोग जेल में बैठी बैठी करके कीर्तन कर रहे हैं, हे प्रभु आप कब आकर के ये दुष्ट को आप विनाश करोगे। सारे साधु लोग जेल में बैठी करके सबके सब भगवान को पुकार रहे थे, हैं पुकार रहे थे। एक दिन कंस ने अपना बहन देवकी को उन्होंने वसुदेव से शादी करवाया, स्वयं सारथी बनकर के विदाई दे रहा था। इतने में आकाशवाणी हुई, बोले रे मुड़ा कंस, जिस देवकी को तुम इतनी आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, इसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने देखा ये देवता का पानी कभी छुट्टी नहीं हो सकता है, न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी, इसलिए ये देवकी को ही समाप्त कर दो। उसने म्यान से तलवार निकाला और देवक की चोटी को पकड़ करके जो मारने जा रहा था, इतने में वसुदेव सोच रहा है ये देववाणी कभी छूटी नहीं हो सकती है, इसी तरह से ये देवकी को मेरे को बचानी चाहिए। साम दाम दंड रीति भेद से समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन कंस किसी तरह से समझा नहीं। वसुदेव ने कहा बताओ तो एक दिन मरूंगी, बोले मरूंगा, बोले जब एक दिन मरूंगा अपना बहनी को क्यों मारोगे, सारा दुनिया तुम्हारी निंदा करेगा, बोले जब मरूंगा मरूंगा पहले क्यों मरूंगा। इतने में वसुदेव महाराज ने कहा देखो कौन मरता है, ये शरीर मरता है, लेकिन ये आत्मा क्या है, न जायते न मृयते अजो नित्य शाश्वत, ये आत्मा है। नैन चिंतन शस्त्राणी नैन दहति पावक न चलते नैन सोचती मावक, ये आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, अस्त्र काट नहीं सकती है, वायु से सूखने वाले नहीं पानी में भीगने वाले नहीं, नित्य शाश्वत ये आत्मा है। केवल ये शरीर बदलती है, ये शरीर केवल बदलती है, इसलिए फिर अपना बहनी को क्यों मारोगे। कंस किसी तरह से छोड़ना नहीं चाह रहे। वसुदेव ने कहा देख तेरे को पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सारे बच्चों को तेरे को दे दूंगा, तू सारे बच्चों को मार डालना, अपना बहनी को मार करके बदनामी क्यों लोगे। अभी मान लिया, उसका पहला बेटा कीर्तिमान हुआ, उसने सीधा कंस को दे दिया। कंस का हृदय तो द्रवीभूत हो गया, बोले अपना बेटे को काल को हाथों में, प्रसन्न हो गया, बोले तू ये बेटे को ले, ये बेटा मेरा क्या करेगा, अष्टम जो गर्भ का संतान मेरे को दे देना। इतने में नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो गया, बोले क्यों, बोले भगवान कब आएंगे, जब पाप की खड़ा भर जाए, लेकिन इसकी हृदय में तो दया की भावना उमड़ गया, भगवान आने में देर करेंगे। इतने में श्री नारद जी बिना बजाते बजाते श्री नारद जी आ गए, बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल hari bol jai jai radha hari bol jai jai radha hari bol jai jai radha hari bol hari shri narad ji prakat hue kans ne dekha guru ji aaye aur guru ji ko aasan dekh kar baithai puja ki itne mein नारद जी ने कहा कंस अभी अभी स्वर्ग से आ रहा, मैंने देखा जितने सारे देवता मीटिंग कर रहे थे उसका विषय था तेरे को कैसे मारेंगे, तेरे को कैसे मारेंगे। बोले सावधान, ये जितने जदुवंशी बैठे ना देख रहे हो, जानते हो ये कौन है, बोले ये स्वर्ग का देवता, और जितनी सब देवी देख रहे हो जो गोपियां, जानते हो कौन है, बोले स्वर्ग के सब देवी है,
ये सबके सब जंत मंत्रणा करते हुए जन्म हुए तेरे को मारने के लिए खबरदार। तब उन्होंने के कमल फूल लाए थे, जब कमल फूल में आठ पंखुड़ियां थी, कितना पंखुड़िया आठ। बोले बताओ इसे पहला नंबर कौन और आठवां नंबर कौन। बोले गुरु जी कैसे बताए। बोले गिनो, बोले एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। बोले उधर से गिनो, बोले एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। बोले गुरुदेव क्या बताना चाहते। बोले इसको समझ नहीं पा रहे हो भैया, देवता का बात समझना बड़ा कठिन है। तू तो इधर से गिन रहे हो एक दो तीन चार, अगर वो उल्टा से गिने तो जिसको तू एक कर रहे हो ना क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आठ, हो जाएगा आठ। जब आठ भाई जन्म लेंगे बड़े होएंगे कि नहीं। बोले होएंगे, तेरे को सबके सब मिल करके मारेंगे, खबरदार किसको छोड़ना नहीं। बोले सबको मार दूं। बोले मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरा बात जानता है। भड़का गया उसने और नारद जी बिना उठाए और भाग गए। कंस ने बोले देवकी ले आओ तेरा बच्चा कहाँ है, उसको हाथ से छीन कर तुमने पछाड़ मार कर मार दिए। ऐसे उन्होंने छह बच्चों को मार डाले। यहाँ प्रश्न है भैया, नारद जी से बच्चों को मरवाए थे, इतने बड़े साधु होकर क्यों मरवा दिया। बोले नारद जी को इनकी पूर्व जन्म की जन्म पता है, ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा का मानस पुत्र मरीच थे। एक दिन ब्रह्मा जी एक सुंदर लड़की को जन्म दिया सरस्वती। वो देखने में इतनी सुंदर थी, ब्रह्मा अपना बेटी में मोहित हो गए और इन लोगों ने उनको हंसी उड़ाया था। बोले मेरे को देखकर हंसी उड़ा रहे हो, अपना पिताजी को हाथ में तीन जन्म तक भर करके मुक्ति मिलेगी। पहले यही कंसक काल नहीं था, दो जन्म तक वो मर चुके हैं, अभी एक काल में भी कंस बन करके आया। इसकी हाथ में जितने जल्दी मरेगा ना इनको मुक्ति मिलेगा। नारद मरवाया नहीं, इनको उन्होंने मुक्ति करवा दिया है। और सप्तम गर्भ में श्री बलदेव प्रभु और अष्टम गर्भ में कृष्ण। देखो ये चीज को समझो, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बात कहते हैं। बोले भैया ये छह जो मारे ये कौन है। बोले अगर भगवान को अगर हृदय में कोई बैठाना चाहते हो, पहले ये छह ऋतुओं को मारो, काम क्रोध लोभ मोह मद और मांसल, ये छह पहले इसको खत्म करो। बोले सप्तम गर्भ में बोले श्री बलदेव प्रभु। बोले बलदेव प्रभु कौन है। बोले ये संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता, भगवान को जो धारण करने वाले ये हैं, भगवान के सेवक है। ये श्री नित्यानंद बलदेव प्रभु है। फिर अष्टम गर्भ में कौन। बोले भगवान कृष्ण। फिर जाकर के भगवान कृष्ण आएंगे। स्वरूप गोस्वामी क्या कहते हैं। बोले कंस मतलब होता है भय, कंस मतलब भय है, भय से ये काम क्रोध को दूर करो। इसमें पहले श्रद्धा